एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 13 से यात्रियों को होने वाली असुविधा। क्या हुआ? तेरे बिना मन नहीं लगेगा। सब ठीक हो जाएगा। तू चाहता था ना मैं कुछ बनूं, वही करने जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। चाचा ने तुम्हारे बारे में बताया था। क्या बताया? ये कि जब तुम घर आओगे तो मुझे डिस्को ले जाओगे और मूवी दिखाने ले जाओगे। मैंने ये सब कब कहा? कितने भुलक्कड़ हो आप। ए, अरे मम्मी देखो तो हमसे मिलने कौन आया है। अरे सामान कहाँ ले जा रही है? घर में सब ठीक तो है ना बेटा? बेचारा अभी सफर से आया है, इसके साथ बातें बाद में कर लेना, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, मुझ पर एक एहसान करना, मुझे नाश्ता मत देना। क्या मामा, ये बेचारी नाश्ता ही तो दे रही है। इनके हाथ का नाश्ता खाएगा तो आखिरी नाश्ता होगा, इतनी पावरफुल है। तुम चुप रहो, गलती तो इंसान से ही होती है ना। हाँ हाँ इंसान से होती है। अंकल शुरू हो जाओ जरा। हाँ। पापा सगाई वाली बात। ए, तू चुप कर। सगाई वाली बात तो जब मैं पुष्पा को देखने उसके घर गया था तब गर्मा गर्म हलवे के साथ समोसा जलेबी सब था, बड़ा मजा भी आया। लेकिन 5 मिनट बाद ही सबने जोर से उल्टियां खा ली। उल्टियों की ऐसी नदी बही कि पूरे घर में बाढ़ आ गई। सभी रिश्तेदार 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। बाद में मामा जी से पता चला कि पुष्पा ने हलवे में आटे की जगह पर चूहे मारने की दवा मिला दी थी। इसके बावजूद आपने इनसे शादी कर ली। आप महान हो अंकल, उनके हाथ का खाने से अच्छा हवा खा के जी लो। ये रहा अपना ताजमहल, कैसा लगा भांजे? घर तो बड़ा सही है। सही नहीं, सही में दही है। माना मेरे पास नौकरी नहीं लेकिन जिंदगी में ऐश से जीता हूँ। अपना लाइफ का एक ही प्रिंसिपल है, खाओ खजाओ बत्ती बुझाओ सो जाओ, और इसलिए मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। धक्के का कवर कहाँ गया? प्रॉब्लम हो गई। अच्छा अब वैसे भांजे, दीदी ने बताया कि तूने कॉलेज बीच में छोड़ दिया। क्योंकि मैं नौकरी करना चाहता था। फिर तो एकदम सही जगह आया है, इस शहर में सबके सपने पूरे होते हैं। अब मेरे जैसे लुक्खे कोई देख ले, आदमी के मन में जी रहा ना, तू तो ऐश करेगा ऐश पूरी तरह से। वो देखो देखो सामने होल्डिंग पे लगी ना, उसके बारे में मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो सामने की गाड़ी गई। खुले में सोने का मजा ही अलग है, एसी की हवा भी इसके सामने पानी कम चाय है। अच्छा चाय से याद आया, सुबह चाय पीनी है इसलिए सो जा जल्दी से। ये लो आ गया रातों का शहंशाह। ए मामा आजा गोस्ट राइडर। व्हाट्स गोइंग ऑन? ऑन तो नहीं, सारे बटन ऑफ करके हम लोग सोने ही जा रहे थे बेटा। ये कौन है? ये मेरा भांजा है, आज ही आया है। ये प्रकाश है, लैंडलॉर्ड का बेटा है, कॉलेज में पढ़ाई करता है। MGM कॉलेज स्टूडेंट। आज इतना लेट क्यों आया? सब जगह प्रकाश फैला रखा। आज पब में क्या लड़की आई थी, आने का तो मन ही नहीं कर रहा था। ओह गॉड, वो एकदम झकास लग रही थी मामा। कल भी अगर मिल गई ना तो अपनी तो सेटिंग पक्की है यार। अरे ऐसी कैसी सेटिंग, हमारे जमाने में हम लोग 5 रुपए का गोला खिलाकर सेटिंग कर लेते थे, ऐसा टैलेंट था मुझ में। ये हमेशा ऐसे ही म्यूट रहता है क्या? अरे हर भांजा मामे पर नहीं जाता रे। क्या बॉस क्या बोलता है? इसकी गलती नहीं है, गाँव के सारे लोग ऐसे ही होते हैं। गाँव के लोग कैसे भी हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम वो सिगरेट की आड़ में गांजे का नशा तो नहीं करते। ये गांजा है क्या? मैं तुझे गंजा कर दूंगा। मामा इसमें मेरी गलती नहीं है, वो तो विकी ने बोला था ट्राई करने को। ओके बॉस मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलता हूँ, तुम लोग आराम से बैठ के बात करो। ये ड्रग्स और गांजा लेता इसका मुझे पता नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि तूने उसको सुना दिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? देखा नहीं कैसे वो डर के मारे कांपता हुआ यहाँ से चला गया? देखना कल वो फिर से करेगा। नहीं रे मैं उसको जानता हूँ, वो इतना बुरा भी नहीं है। आपको उस पे ज्यादा ही भरोसा है। हाँ? वो काफी वक्त से नशा कर रहा है, झूठ बोलता है कि उसे पता नहीं था। खाना तैयार है। तुम खा लो मामा, मैं खा के आया हूँ। क्या कर रहा है? दिखाई नहीं रहा देखो। शहर में अच्छी नौकरी और छोकरी ढूंढना बहुत मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा, बाकी तेरी किस्मत। ओए रंजीत 2 कप चाय देना। दो कप चाय। ये रंजीत है, यहाँ का मालिक है, इसी कॉलेज में पढ़ता था और जब इसको नौकरी नहीं मिली तो छोकरी के चक्कर में इसने यहाँ पर कैंटीन खोल दी। क्या हाल है छिले हुए बैंगन? रंजीत रंजीत। ओहो नाम और स्टेटस की इतनी परवाह, आजकल प्रॉफिट कमा रहा है क्या? खाद प्रॉफिट।
मैंने ये सोच के यहाँ कॉलेज के पास कैंटीन खोला कि बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है। देखो यहाँ कॉलेज के लौंडे आते हैं, फ्री का खाकर गायब हो जाते हैं। अरे सिटिंग टैक्स लगा, लड़के लड़कियों का सेटिंग टैक्स लगा, प्रॉब्लम सॉल्व। उस टेबल का बिल तो एक मिनट। बेचारा बहुत टेंशन में रहता है, यहाँ के स्टूडेंट्स इसको चूस लेते हैं, लेकिन ये कॉलेज लाइफ देख कर फिर से कॉलेज में जाने का मन करता है। अपने पति के लिए बनाई हो? ये मत भूलो कि मेरे पति तुम्हारे बड़े भैया हैं। हाँ याद तो है, लेकिन इस बात से चिढ़ है कि वो आपको एक नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं समझते। हाँ ला रही हूँ। देख रही हूँ कैसे हुक्म चला रहे हैं, जैसे पत्नी को नहीं कैंटीन के किसी वेटर को बुला रहे हो। चुप कर। भगवान चाय। शादी को 5 साल हुए हैं, लेकिन ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कल ही हुई हो। अब क्या करूं बापू, ये कैंटीन को संभालते संभालते भेजा खराब हो गया है। क्यों क्या हुआ? कल 2 लड़कों ने झगड़ा किया और हमारी 2 टेबल्स तोड़ दी। अरे कैंटीन में ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं कॉलेज में क्या करते शुरू हो गए ये। तो बस उन लड़कों से संभल कर अपना काम किया। आखिर कब तक संभालू बापू, कोई मेरी सुनेगा तब ना, घर में तो सभी जिद्दी हैं। आपसे कम। मेरी बॉक्स। बाय भाभी। बाय विद्या, संभल कर जाना। जा रही हूँ पापा। बाय चिनू। बाय। कहाँ जा रही सज धज के, कॉलेज क्या? नहीं स्कूल जा रही हूँ। थैंक गॉड मुझे किसी ने देखा नहीं। टीचर प्रिंसिपल मैम आपको बुला रही है। सो बार तुमसे बोल चुकी हूँ मुझे टीचर मत बुलाया करो। ओके टीचर। आपने बुलाया था? गुस्से के लिए और कोई वर्ड बताओ। आक्रोश, क्रोध, दिमाग का फटना। यू कैन गो। थैंक यू। आता वाता तो कुछ नहीं है, और चलिए हिंदी नॉवेल लिखने, जब देखो तो दूसरों से आइडिया लेती रहती है। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे तुम नीचे क्या कर रही हो, बैठो यहाँ पर। और तुम यहाँ से हिलना मत। देखो ये है, क्या कर रहे हो तुम? अरे ये बुक्स क्यों गिरा दिया तुमने? अब एक बात बताओ, मेरी उम्र ही क्या है? जो 17, ये मेरी कॉलेज में ऐश करने की उम्र है, और मैं हूँ कि टीचर बनी बैठी हूँ। घर वाले कहते हैं कॉलेज जाके लोग बिगड़ जाते हैं। पता है वो क्या कहते हैं? डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई पूरी करो। ये भी कोई पढ़ाई होती है? कॉलेज लाइफ का असली मजा वो क्या जाने। बाहर जाकर देखो कितने यंग लड़के लड़कियाँ खुशी खुशी कॉलेज जाते हैं। पता नहीं मेरी ही किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है। स्टॉप, मैंने जो कहा वो तुम्हारी समझ में आया ना? यस टीचर। और तुम्हारी? टीचर। टीचर बोल दो। यस टीचर। जाओ जाके खेल। अरे रो मत, मैं तुम्हें दूसरा चॉकलेट देती हूँ। ये लो, चुप हो जाओ बच्चे, ये लो खाओ ना। सुनो सुनो सुनो, रो मत, इसके बदले में ना मैं तुम्हें 2 चॉकलेट्स दूंगी, ठीक है? रो मत बेटा, लो ना बेबी, लो ना। मैं अपनी चॉकलेट तुम्हें दे रही हूँ, वो भी नहीं लेनी तुम्हें? प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। अब इस क्लास में कोई आवाज नहीं करेगा, समझे? रुको। हिम
कॉलेज के लिए एमजीएम कॉलेज, अरे काका ये बस एमजीएम कॉलेज नहीं जाती, तो पहले बताना चाहिए था ना। अरे आप कैसे जाएंगे, ये तो वहाँ बस नहीं रोकने वाला। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। ड्राइवर अंकल, ड्राइवर अंकल, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर ये बस नहीं रुकने वाली। अंकल आपकी जो बेटी है उसका नाम दिव्या है ना? हाँ उसका नाम दिव्या है, पर तुम्हें उससे क्या? एक्चुअली मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या आप ये लव लेटर मेरी तरफ से उसे दे देंगे प्लीज ससुर जी? इतनी जल्दी? ए जल्दी करो, ऐसा क्या गया क्या? चल के जा, खा जाएगा। वो देख, समझ में नहीं आता तुम क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो। तुम हो ना नोट्स लिखने के लिए, फिर मैं क्यों बैठूं? लो आज के भी नोट्स लिख दो। तुमने फिर नहीं लिखा, पता नहीं आखिर तुम कब सुधरोगे सागर। क्या रे रोमियो, लोनली प्लेस में रोमांस चल रहा है, यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास मिस हो गई इसलिए हम दोनों यहाँ बैठकर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अच्छा बच्चों, क्लास में गुल रहने का और यहाँ पर गुलछर्रे उड़ाने का? नहीं साले, तुम जैसे लोगों की गंदी हरकतों की वजह से हमारा नाम बदनाम हो रहा है, समझा क्या? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो हम दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। इसका मतलब तू बचपन से इसके पीछे पड़ा है, तुझे तो मानना पड़ेगा भाई। देख क्या रहे हो भाई, इन दोनों को प्रिंसिपल के हवाले कर देते हैं। अब चल चुपचाप, प्लीज मैं आपके पैर पकड़ चल। तेरे को माफ किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ए, बैठने को बोल इसको। बोलता हूँ भाई। प्रिया ए, चल बैठना। पांजे, तेरी नौकरी पक्की हो गई है, आजा। हीरो तो फुटेज लेगा क्या? ये मेरा भांजा, एक नंबर छोकरा है। हेलो सर। जब से शहर में आया छोकरी छोड़ के नौकरी के पीछे पड़ा है, मैंने सोचा तू ही मदद करेगा। मैंने तुझे बताया था ना मेरा एक कमीना दोस्त है जो कभी मदद नहीं करता है, यही है वो। मामा मैं काम पर कब से आऊं सर? तुम चाहो तो आज से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है तो कल सुबह नहा धो के आ जाएगा, काश तूने कभी मेरी मदद की होती, लेकिन मुझे पता है तू मुझसे चलता है। चल कल की तैयारी करनी है। ओए नीचे आ जा, और अगर आंटी नाश्ते में पास्ता दे तो खाना नहीं, समझा? आंटी मैंने टिफिन ले लिया। कोई बात नहीं, कॉफी तो पी के जाओ। आंटी हा? एक छोटा सा लोचा है आंटी। क्यों, क्या हुआ? कॉफी विद आंटी के पिछले एपिसोड में जब मुझे गिफ्ट हैम्पर मिला था उससे मेरे पेट में से इतना कचरा निकला कि मुझे कचरे का डंपर बुलाना पड़ा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भांजे के साथ भी ऐसा। तुम उसकी बात छोड़ो, अपनी सोचो, मैं अभी कॉफी लेकर आती हूँ। निकल लेता हूँ। What's up? आसमान। सिया। पतिराम। अरे अरे भैया 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 प्लीज मुझे स्कूल छोड़ दो।
चले गए। चाचा आप छोड़ दोगे? बेटा आज मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। आज मुझे ना अपने भांजे के साथ एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। वैसे तू रोज अपने भाई को ड्रॉप करने के लिए कहती है ना, उसने कभी तेरे को ड्रॉप किया है? कभी नहीं। तो फिर रोज सुबह बैग उठाकर यहाँ पर कान क्यों पकाती है और चिल्लाती है, भैया 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 मुझे ड्रॉप कर दो। लेके गया क्या? अभी तो कितनी बार ड्रॉप करने के लिए कहा है, कभी आपने मुझे स्कूल ड्रॉप किया है? और ये क्या, रोज सुबह सुबह शर्ट इन करके टाई पहन के जॉब ढूंढने जाते हो, मिली क्या? जॉब नहीं मिली फिर भी कोशिश करते हो ना? उसी तरह मैं भी चाहती हूँ कभी तो मेरा भाई मुझे ड्रॉप करे। मैं बस से चला जाऊंगा मामा, आप इसे ड्रॉप कीजिए। अरे तू उसको जानता नहीं है, ये पीछे बैठ के इतना पकाएगी कि दिमाग का दही और दही का पनीर बन जाएगा। आज नहीं पकाऊंगी। ठीक है चल बैठ जा। जानते हो चाचा, थ्री इडियट्स में चौथा इडियट भी था। कॉफी तैयार है। तेरी माँ आ गई, तेरा पकाना चलेगा, तेरी माँ का पकाया नहीं चलेगा। यहाँ मैं तुम्हारी टीचर नहीं, एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे पास मत आना, दूर ही रहना, ओके? बैग, बैग, और बैग। कहा था ना मुझसे दूरी बना के रखना, स्कूल आने तक मेरे जरा भी पास मत आना, ठीक है? स्टॉप। बैग, बैग, बैग। फोर फीट की दूरी बना के रखना, ये मैं तुम्हें बार बार नहीं बताने वाली, ओके? Now follow. Good morning. हाँ हाँ मैं टीचर हूँ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, कॉलेज जाने की उम्र में टीचर बनी हूँ, ये जानकर तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी, है ना? अरे कूल कूल, चिल्ला क्यों रही हूँ? तुम्हें फॉलो करने के लिए कहा था इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब जा सकता हूँ? कोई काम तो नहीं है ना? चाय को ऑर्डर देके काफी टाइम हो गया ना, एक काला जामुन चाय लेकर आ। भांजे, इस लड़के का नाम गुना है, MGM कॉलेज का स्टूडेंट है, एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है ये, और इसके सारे दोस्त लोग लफंगे और टपोरी हैं। मेरे को वुमेन्स कॉलेज में वॉचमैन की नौकरी करनी है। छोटू चाय ला। चाय पीते हैं लेकिन पैसे देने का नाम नहीं लेते। ये चाय पीने नहीं आए। यार ये राजा चार दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? तुझे पता नहीं वो बीमार है? क्या बात कर रहा है यार, तुझे कैसे पता? तू उसके घर गया था क्या? नहीं मैंने उसे फोन किया था। क्यों रे, स्ट्राइक में क्यों नहीं आया? भाई वो क्लास थी तो। क्लास? हमारी क्लास नहीं होती क्या? हम सब कल स्ट्राइक कर रहे थे और तू क्लास अटेंड कर रहा था, हम बेवकूफ है क्या? नहीं भाई ऐसा नहीं है, बस एग्जाम आ रहा है तो। अच्छा है। अच्छा एक बात बता, तू यहाँ की सारी बातें बाहर बताता है? हाँ बोलना। साले गुना की बातों का तू दुनिया भर में ढिंढोरा पीटता है। भाई, तेरी है, कल पी लेना। भाई अब ऐसा नहीं होगा भाई, भाई एक्सक्यूज मी, दो चाय।
भाई तेरी वजह से मैं आज रुक गया, नहीं तो धो देता था उनको। टीचर हा? ये पैक कर दो। ओके ओके थैंक यू। क्यों बे इस्त्री क्यों खराब कर रहा है, चल अब टी शर्ट छोड़। गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी। सॉरी बोला ना अब तो टी शर्ट छोड़। टीचर को सॉरी बोल। सॉरी टीचर। क्या हुआ? अब उसे क्यों बताया कि मैं टीचर हूँ? मतलब अब वो शहर में जाके सबके सामने ढिंढोरा पीटेगा। वो भला ऐसा कुछ क्यों करेगा? उसके फेस पर लिखा है कि वो नहीं करेगा, तुमने उसे बताया क्यों? लॉजिक है। सुनो बॉस, ये टीचर है, ये बात किसी को बताना मत। अब शहर तो क्या पूरी कंट्री को पता चल गया होगा। सॉरी एक्सक्यूज मी टीचर। मैडम हेलो, मैडम पहाड़ में जाओ। हेलो ये लड़की कौन थी, तुझ पे भड़क के क्यों गई? तेरी इसके साथ जान पहचान है? पहले तो नहीं थी लेकिन अब अच्छी खासी हो गई है। आपने देखा कैसे नाराज होकर चली गई? हाँ वो तो दिखाई दिया, लेकिन तुझे कैसे पता कि वो टीचर है? मुझे तब पता चला था जब मैं स्कूल गया था। तो अभी भी स्कूल जाता है? हाँ इसी के पीछे गया था। तू इसके पीछे स्कूल गया था फिर भी जानता नहीं ये कौन है, लेकिन ये जानता है कि ये टीचर है। इस पर तो सीरियल बनना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग, एकता चप्पूर से बात करनी पड़ेगी। भैया लगता है ये उसी लड़की का है। ये सब कौन रखता है? यही लगती है, इसे लौटाना होगा। और रोमियो कम कम गो। ए दैट्स नॉट गुड। इसमें मैंने क्या किया? यहाँ क्यों आए? कुछ दिन मेरी इंसल्ट करके तुम्हें शांति नहीं मिली? ये बॉक्स देने आया। बॉक्स? अच्छा बहाना ढूंढा है मुझसे दोबारा मिलने का। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसे लफंगों की वजह से भैया मुझे कॉलेज नहीं भेजते। ए, ए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई और तुम चले जा रहे हो? मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। ऐसी बात है तो फिर इसे साबित करो। साबित करूँ? हाँ करो। तुम्हें? हाँ ये बॉक्स तुम्हें मिला था या फिर मुझसे दोबारा मिलने के लिए तुमने इसे चुराया? तुम में वो बात नहीं है कि मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊं। लेकिन इसमें कोई सोना चांदी हीरे मोती तो नहीं है, फिर इसे देने क्यों आए? हाँ लेकिन इस बॉक्स के अंदर आधी चॉकलेट, एक पेंसिल, दो रबर पड़े थे और एक बस बस। उस दिन सबके सामने तुमने मुझे टीचर किस लिए बुलाया? उस दिन मैं अनाउंस नहीं करना चाहता था लेकिन वो बस अपने आप ही। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक हो गया? तुमने मेरी परमिशन ली थी? मैं टीचर हूँ ये सबको बताने की क्या जरूरत थी? हाँ हु आर यू? मैम यस मैम यूकेजी क्लास पूरी हो चुकी है, एलकेजी वाले ग्राउंड में गए हैं पीटी सर के साथ और ये मुझे मेरा बॉक्स देने के लिए आया था। ये बस मेरा फ्रेंड है। नाम बताओ। सत्या। सत्या यू कैन गो, नॉट यू ओनली यू। फ्रेंड के लिए वर्ड बताओ। मित्र, दोस्त, साथ ही। वाह भांजे वाह, आज तूने मामा का नाम ऋतिक की तरह रोशन कर दिया। मतलब? अरे यार तू बॉक्स देने गया था, उसने तुझे बॉक्स मारा तो नहीं? तो और वो तुझे प्रिंसिपल के रूम भी ले गई थी? ले गई थी। फिर उसने तुझे क्या कहा? फ्रेंड कहा। हाँ मतलब फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप कहाँ से हो गई मामा, उसने तो बस ऐसे ही कह दिया। और ये लड़कियाँ ऐसे कैसे कह देती है? कॉन्स्टिपेशन हो गया क्या मामा? सिचुएशन ही ऐसी थी। सिचुएशन के बारे में मुझे मत समझा, ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में बहुत बार आई है। तुझे क्या हुआ, तेरी सिचुएशन भी खराब है क्या? बहुत खराब है अंकल। तूने अभी अभी मुझे अंकल कहा क्या? हाँ अंकल। क्या हो गया आज के जनरेशन को, मैं अब तक नौजवान लड़का हूँ, लोग ऐसे मुझे अंकल अंकल बुलाते हैं। ठीक है मैं अंकल तो, ये क्वीन इसकी आंटी। क्या हुआ? कल मेरे स्कूल वालों ने सिटी टूर ऑर्गेनाइज किया है, पापा से परमिशन मांगी तो उन्होंने ये दिया। स्कूल के साथ टूर पर जाने से अच्छा है कि तुम मुझे ही अपने सारे पैसे दे दो,
मैं तुम्हें सिटी की सारी नॉलेज दे दूंगा। मैं यहाँ प्रॉब्लम बताने आई हूँ, कम से कम मेरी हेल्प तो करो। सब हेल्प मांगते देते नहीं। टूर में आखिर रखा क्या है? स्कूल वाले सिटी दिखाने ले जाएंगे और उसकी हिस्ट्री बताएंगे। उससे अच्छा तो घर बैठे बैठे सिटी की बुक पढ़ो और ऐश करो, उसमें दुनिया भर की फोटोज भी है। बिल्कुल सही कहा अंकल, टाइम और पैसे दोनों की बचत। अपने घर पर आराम से सोफे पर बैठ कर पैर पसार कर नॉलेज बढ़ाओ। एक्चुअली वो क्या ना, ये फ्रेंड्स के साथ टूर पर घूमने जाएगी ना तो नॉलेज और मैं भूल ही गया था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना रिस्की होता है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अब तो मैं हरगिज नहीं भेजने वाला। अरे हाँ अंकल, सेफ्टी फर्स्ट, मैं भूल ही गया था। जान है तो जहान है, ऐसे छोटे मोटे टूर तो होते रहेंगे। तुम पकोड़े लो ना। तुम इस बुक को पढ़ो तो सही, कितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें। बेटा तुम नहीं खाओगे? मन नहीं अंकल। खा के देखो, प्याज की पकौड़ी एकदम स्पेशल है। वो तो देखते ही पता चल रहा है। तुम भी हद करते हो, खाई तो है नहीं और तारीफ कर रहे हो, कैसे बता सकते हो कि अच्छी बनी है? जैसे नीता अपना बुक पढ़ के हैदराबाद के बारे में पता लगाएगी वैसे ही। बेटी कितने पैसे चाहिए? जस्ट 1500। तुम जाओ तैयारी करो, मैं पैसे देता हूं। थैंक्स पापा। तो इस खुशी के मौके पर सबको पकौड़े खा के मुंह नमकीन कर लेना चाहिए। बेटा तुमने तो मुझे बात अच्छे से समझा दी है, लेकिन पकौड़ी अब तक नहीं खाई तुमने? नहीं खा सकता अंकल। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि ये जो पकौड़े हैं ये आपने नहीं बनाए हैं, आंटी ने। माना ज्योति ने बनाई है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है कि आप तो इसको थूक दें। आपने जितने पौधे बताए थे मैंने दे दिए, प्लीज साइन कर दीजिए। जा रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्ती एक्सेप्ट कर लेती हूँ। देखो, अगर मुझसे फ्रेंडशिप करनी है तो मेरी सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी, सीक्रेट शेयर करने होंगे, करोगे ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है। हाँ, जो भी है, वो क्या है ना, मैं छोटे बच्चों के साथ रह रह के बहुत बोर हो चुकी हूँ। वैसे तुम्हें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें कैसा फ्रेंड चाहिए। हाँ, मुझे कैसा फ्रेंड चाहिए? जो बस दिन रात मेरी ही बातें सुना करे। हम एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देंगे, फिर अपने आप ही हमारी फ्रेंडशिप हो जाएगी। ओके, लंगड़ी करते हुए मैं वहाँ एक मिनट में पहुँच जाऊंगी, अपना इंट्रोडक्शन पूरा करूंगी। इसे पकड़ो, और हाँ, डिस्टर्ब नहीं करना। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पापा रिटायर हो गए थे। मेरी भाभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरा भाई सबसे बड़ा दुश्मन। घर की पूरी जिम्मेदारी वही संभालते हैं। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं कुछ भी गड़बड़ करूँ तो भाभी मुझे डांटती है। लगता है जैसे ऊपर वाले ने मेरी किस्मत काले पेन से लिखी है। बच्चों को कुछ कहूँ तो वो रोने का नाटक करते हैं। जब कोई कहता है नमस्ते टीचर तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी भी मुझे टीचर कह के मत बुलाना। हाँ, और एक बार स्कूल में जाने के बाद लगता है जैसे मैं आजाद हो गई हूँ, लेकिन जैसे ही घर जाती हूँ सब मुझ पे टूट पड़ते हैं। पापा लेक्चर देते हैं, भाई बहुत सुनाता है, यानी बच्चों को संभालो, घर में घर वालों को संभालो। जानते हो मेरी क्या हालत होती है? ऐसे लगता है कि एक घर ले लूं और भाई के कान पट्टी पे लगा दूं। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं हमेशा से एक दोस्त चाहती थी और सालों बाद जाके मेरा कोई दोस्त बना है और वो खुश नसीब इंसान तुम हो। मेरा हो गया, कैसा लगा बायोडेटा? बायोडेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात खटकती है, तुम बच्चों को बहुत डराती हो। ठीक है, अब तुम शुरू करो। एक मिनट में बताना होगा, यहाँ से वहाँ तक जा पाओगे? ए, मेरे बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं है। ये क्या, मैंने तो अपने बारे में सब बता दिया, तुम अपने बारे में नहीं बताओगे तो हमारी फ्रेंडशिप कैसे होगी? ठीक है, मेरा नाम सत्या है, मेरी फैमिली। इस तरह से बताओगे तो और कैसे बताना है? जैसे मैंने बताया था। हे, मैं ये नहीं कर सकता। इसके पीछे भी एक रीजन है, जब हम लंगड़ी करते हैं तो हमारा सारा कंसंट्रेशन लंगड़ी पे होता है और फिर हम झूठ नहीं बोलते। ये सच बुलवाने का बहुत अच्छा तरीका है। चलो शुरू करो। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं सुनना, शुरू करो। 3, 2, 1। मेरा नाम सत्या है, मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मैंने आज तक जो भी किया अपने बलबूते पर किया। मेरी मॉम हमेशा मेरे फ्यूचर के बारे में टेंशन में रहती है, बेचारी मेरी बहन उनकी वजह से पिटती रहती है। मेरी फैमिली एक बहुत ही सिंपल फैमिली है। मैं कॉलेज बीच में छोड़कर जॉब कर रहा हूँ। मैं गांव से यहाँ शहर अपने मामा के घर आया हूँ और वो एक बिल्कुल अजीब कैरेक्टर है। हाल ही में मेरी जिंदगी में एक नई लड़की आई है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। कहा था ना सिंपल बायोडेटा है। ओके,
तुम में कोई बुरी आदत नहीं है, अगर मेरे दिल और दिमाग ने हाँ कहा तो कल से हम दोस्त बन सकते हैं। ओके ओके, सी यू, बाय। मामा को मामू बना रहा है? क्या हुआ मामा? तू बता। बताना क्या है, फ्रेंडशिप करने में कोई बुराई नहीं है। सिर्फ फ्रेंडशिप? और क्या? तो फिर ये सब क्या था, लंगड़ी फुगड़ी प्यार की खिचड़ी? हाँ, इंट्रोडक्शन देने का स्टाइल है। अच्छा, क्या करते हैं क्या नहीं तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तुम सारा से निकाल दिया क्या? मम्मी का खाना खाकर पेट खराब हो गया इसलिए नहीं गई। टूर के पैसे भैया लेके भाग गया इसलिए टूर नहीं जा पाया। ये तो रोज की बात है, तुम्हारा भाई है ही नालायक और तुम्हें पता ही नहीं चलता। मुझे क्या पता पैसे कब लेके गया। तुम भी तो पूरा दिन घर पे होते हो, तुम ध्यान नहीं दे सकते क्या? ठीक है नहीं जाता, लेकिन अपना काम यहीं से पूरा करके देता हूँ मैं। मैं घर के काम करूँ या इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूँ? आपका भी तो बेटा है ना, आपका भी कुछ फर्ज बनता है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। आपसे तो कोई काम होता नहीं। मैं कब इनकार कर रहा हूँ, वो मेरा बेटा है लेकिन तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। मेरी क्या गलती है? देखा उसने क्या किया? क्या किया वो तो मैंने देख लिया, लेकिन आप क्यों लड़ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। अपने बेटे को कंट्रोल करने के बजाय आप एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो क्या करें, हम उसे डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्या करें हम? वो अब हमारे हाथों से निकल चुका है, फिर भी हमें उसकी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी औलाद है। उसे किसी भी चीज की कमी हो ये हम नहीं देख सकते। वो अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकता, हम दखल नहीं देना चाहते। बस यही बात थी और इसी को लेकर हम दोनों के बीच थोड़ी कहा सुनी हो गई। वो कोई स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा तो है नहीं, कॉलेज में पढ़ता है। अब इतने बड़े बच्चे को आखिर कैसे? ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। तुम चुप ही रहो, खाना नहीं बना सकती, पैसे नहीं संभाल सकती और मुझे अकल सिखाने जा रही हो तुम। हाँ भाई, हद हो गई। आज सुबह रेडी होकर जब मैंने मम्मी से पैसे मांगे तब पता चला भैया पैसे लेके चला गया। इससे क्या हो गया, ये भी आजकल अलग दुनिया में रहता है। तू ऐसे मत रहना। अब लटके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट ले आ। तेरा अंकल कल तुझे तेरी फेवरेट फिल्म दिखाने ले जाएगा पॉपकॉर्न और समोसे के साथ। एक ही शर्त पर। वो क्या? हम समोसे तभी खाएंगे जब मम्मी बनाएंगी। भूल गया था, तू तेरी माँ की बेटी है ना। भांजे, दीदी का फोन आया। हेलो, तुम ठीक तो हो ना बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ माँ। टाइम पे खाना खाते हो ना? हाँ माँ। वहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है माँ। तुम्हारे पास पैसे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। पापा से बात करो। हेलो, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ पापा। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से। मेरी टीचर ने जो फ्रेंडशिप का ऑफर दिया था उसके बारे में कुछ सोचा? वो बुला रही है। ठीक है मैम, इस पे साम देखती हूँ। ओके मैम। देखा ना मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स हैं? अच्छी खासी तो हो। आज हमारी फ्रेंडशिप का पहला दिन है और तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। क्यों रे बच्चों, तुम्हें आती है ना? यस टीचर। और तुम्हें? नो टीचर। यस टीचर। तुमसे बेहतर तो ये बच्चे हैं। मैडम सब लोग रेडी हैं, जल्दी आइए। आती हूँ, क्लास में जाओ। ए रुको रुको रुको, यहाँ क्या समझ में आया तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे टीचर की? ये टीचर नहीं, हेडमिस्ट्रेस है। हेडमिस्ट्रेस है? हमारी हेडमिस्ट्रेस हेडमिस्ट्रेस है। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
जिंदगी में चांदी ही चांदी होगी। इसका मतलब आज आप पिछले महीने का सारा उधार चुकता कर देंगे? ऐसे क्या है? क्या मतलब ऐसे क्या? आप भी उन कमीने स्टूडेंट्स की तरह फ्री में टूल पर रहते हो? अभी तक तू यही है, चल जल्दी कर, भाई के आने का टाइम हो गया ना, चल चल ना ये भूखी के। ये लोग भी ना भाई और भाई के चमचे। ये भाई कौन है? अरे साला घंटे का भाई, अपन का क्लासमेट था, साले को दिन भर परेशान करता था फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाता था। करो ना उसकी चमचागिरी, लेकिन तुम लोग का कोई फायदा नहीं होने वाला। बात कर दे, अरे आता है तो आने देना। वैसे कब आ रहा है वो? वो यहाँ क्यों आ रहा है? यहाँ आएगा तो पूरे कॉलेज की वाट लगा देगा। वाट लगा देगा? हाँ। आग लगा देगा, आग लगा देगा। फिर उसने कुछ किया क्या? इस बार तो उसने हॉस्टल में घुस के हॉस्टल की वाट लगा दी थी। सच में? प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई थी, तुझे पता नहीं है क्या? तभी मैं सोचूं वो बुड्ढा इतना भड़का क्यों था। क्या कर रहा भाई क्लास के बाद? मुझे पता है। ओए, भाई का नया पीए तू ही है ना? पीए नहीं, पीएल। पीएला? पीएला नहीं, पीएल, पॉलिटिकल लर्नर। भाई को मीटिंग में क्या बोलना है तूने उनको बताया ना? उनको कोई कुछ नहीं बोलता, अपने आप सब बोल लेते। और ये भाई खाते में क्या है? वो अपने आप जो बोलते हैं मैं अपने आप लिख लेता हूँ। पॉलिटिकल लर्नर हूँ ना। संभल के रहना, पहले के उनके पीए आज तक हॉस्पिटल से बाहर नहीं है, तेरा नंबर भी आ सकता है, समझा ना? हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स की चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल सर, पॉइंट पे आइए। कल जो हॉस्टल में मारामारी हुई उसके बारे में मैं आपको पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ। ए, हाँ? हॉस्टल में तो नहीं रहते, फिर वहाँ क्यों गए थे? पढ़ाई करने के लिए गए थे भाई। साला बियर नहीं पीते ना तो दिमाग की बत्ती नहीं जलती, बियर अपना पेट्रोल है। भाई बोल रहा है यार। लेकिन ये हॉस्टल है भाई। हॉस्टल है तो क्या, जब तक अपन के साथ जगन भाई है सब कुछ चलेगा। अपन लोग का मीटिंग चल रहा है, चल बाहर जाके बैठ। तू भी ले। अबे चिल्लूट, सुनाई नहीं दे रहा है तेरे को, चल बाहर जाके बैठ। और तुम क्यों गए थे? जूनियर्स के डाउट क्लियर कर रहा था सर। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? चल अंदर जा, यहाँ पढ़ाई करना अलाउड नहीं है, चल अंदर जा। तुम लोग फिर वापस आ गए? चल चल बाहर निकल। यानी उस दिन रात को इन लोगों ने तुम्हें कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था? हाँ सर। और इन लोगों ने तुम्हें अंदर जाकर अपनी पढ़ाई करने के लिए कहा था? हाँ सर। पर मतलब सारी लड़ाई पढ़ाई की जगह को लेकर हुई थी। सर मेरे दिमाग में भी कब से यही बात आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल को एक चेन हथियार की तरह लगती है, लेकिन मेरे लिए ये बस एक साइकिल की चेन है। और आपका कहना है कि वो इससे मारपीट करते हैं, मेरे हिसाब से ये एक हॉकी स्टिक है जिसे यहाँ के बच्चे हॉकी सीखते हैं। ये वॉच, ये नेल कटर, अब ये सब आपको हथियार लगते हैं सर? अब आप इसे ही देख लीजिए, ये आपको एक फटी हुई जीन्स लग रही होगी, लेकिन ये आजकल का फैशन है सर। ए, क्या बोलते हैं इसको? टॉन जींस भाई। हाँ, टॉन जींस। ये सब चीजें आखिर ये लोग रखते ही क्यों? अरे छोड़िए सर, लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरी मलेशिया के डॉन के साथ अच्छी दोस्ती है। कहते तो ये भी है कि जो भी मुझे परेशान करता है वो उसे उड़ा देता है, और मेरे डिसीजन के खिलाफ जो कोई शख्स जाता है वो उसे मार डालता है। और हमारे प्रिंसिपल सर इन स्टूडेंट्स को सस्पेंड करना चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि ये स्टूडेंट्स सस्पेंड हो। मैं भी यहाँ का एक कमेटी मेंबर हूँ, लेकिन फैसला तो आपका है सर। आप जो फैसला करेंगे वो हम सबको मंजूर होगा सर। अच्छा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? ओके। ए, मुंह क्या देख रहे हो? आओ अपने अपने आइटम लेकर जाओ। थैंक यू। मिलते हैं सर। आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा बताओ, मुझे भी तो पता चले। मैंने आपके नाम के आगे भाई लिखा। क्या मतलब? मैं भाई हूँ और गुंडागर्दी करता हूँ? बड़े भाई की तरह सबको सजा देते हैं और प्यार भी करते हैं। क्या बात है। अरे रुकना यार, मस्ती क्या कर रहा है? अब तो खुश हो ना? थैंक्स भाई। ये रवि कहाँ गया? ओ वही पुरानी आदत, जहाँ गुना होगा वहाँ रवि नहीं होगा, और जहाँ रवि होगा वहाँ गुना नहीं हो सकता। तुम लोग नहीं सुधरने वाले, एंजॉय योर लाइफ। ओके भाई। गुना? हाँ भाई। वो
छोड़ो, मैं देख लूंगा। बताइए ना भाई क्या बात है। वो क्या है कि बेकार में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, इसलिए तुम जाओ, मैं देख लूंगा। भाई मुझसे कहना क्या चाहते हैं? उनकी बातें मुझे भी बाउंसर जाती हैं और तुम कुछ मुझे नहीं से पूछ रहे हो। बस बात ये है, वो एमकेआर सर ने हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट की बेइज्जती की, इसीलिए उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते थे। बस इतनी सी बात भाई, आप टेंशन मत लो। आप बताओ कितने लड़के चाहिए, मैं लेके पहुंच जाऊंगा। जितने भी हो सके। कब लाना है? कल। एमकेआर हाय हाय, जग्गू भैया जिंदाबाद, जग्गू भैया जिंदाबाद, जग्गू भैया जिंदाबाद, जग्गू भैया जिंदाबाद, एमकेआर हाय हाय, जग्गू भैया जिंदाबाद, जग्गू भैया जिंदाबाद, एमकेआर हाय हाय, जग्गू भैया जिंदाबाद। ओके गुना, मैं चलता हूं। कैरी ऑन। ओके भाई, जग्गू भैया जिंदाबाद, जग्गू भैया जिंदाबाद। संभल के, ये उसी का इलाका। अबे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एमकेआर हाय हाय, एमकेआर हाय हाय, जग्गू भैया जिंदाबाद, जग्गू भैया। तुम लोग रेडी हो ना? लोगों को जरूर किसी ने भड़काया होगा। इनके पीछे बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। हट जाओ। तुम सबकी बोलती क्यों बंद है? स्टूडेंट से एक तरफ आ जाओ, बाकी लोग एक तरफ। कम ऑन क्विक। स्टूडेंट हो? नहीं। गुंडे हो? नहीं। अगर गुंडे नहीं हो, स्टूडेंट नहीं हो, तो फिर क्या हो? गवाह। हेलो, बोलिए ना सर। आप टेंशन मत ले सर, स्टूडेंट्स आप सब जा सकते हैं। क्यों? चलो। क्यों भेज रहे हो? क्योंकि स्टूडेंट्स हैं। हाँ तो इनकी गुंडागर्दी मैंने आंखों से देखी है। इन सब ने वहां पर तबाही मचाई थी। मैं इन्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम कौन हो तो रोकने वाले? मैंने कहा ना, मैं गवाह हूँ। मीडिया की फुटेज देखो, पता चल जाएगा। वहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली सर, यहाँ एक गवाह है। मैं अभी आता हूँ। ओके सर। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, बाद में इंटरव्यू। हाँ कोई बात नहीं, ये मीडिया वाले ना आना पड़ता है। हेलो सर। और जनार्दन ठीक हो ना? ठीक है। आराम से, आराम से। ये क्या, तुमने अब तक छोड़ा नहीं इन लोगों को? सर बात यह है कि ये कौन है? वो ये तुम कौन हो? ए साले, तू भाई को नहीं पहचानता? साले तेरी हिम्मत कैसे हुई? आराम से, बच्चा है, मुझे नहीं जानता तो क्या हुआ, मैं खुद ही जान पहचान कर लेता। हेलो, मैं जय दुर्गा राव, यहाँ इन स्टूडेंट्स को छुड़ाने के लिए आया। तुम अकेले इन्हें पुलिस स्टेशन में छुड़ाने आए हो? मतलब इन्होंने ये सब तुम्हारे इशारे पर किया है। प्रॉब्लम इनकी है या तुम्हारी है? वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? आखिर तुम इन स्टूडेंट्स के लगते क्या? इनके प्रोटेस्ट से तुम्हारा क्या नाता है? देखो, ये सब स्टूडेंट्स हैं और मैं यूथ लीडर, इस नाते इन्हें छुड़ाना मेरा फर्ज। इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इनके फ्यूचर के लिए ये अच्छी बात। कौन सा फ्यूचर? ग्रेजुएट बनेंगे या गुंडे बनेंगे? दुकानों को तोड़ना, पेट्रोल डालकर जलाना, इसे फ्यूचर कहते हैं? तुमने आज इन्हें छुड़ा भी लिया तो भी ये कल बच जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है, तो यही खत्म। ठीक है, कर देता हूँ, बेल पर साइन करो। शाम को 6:30 बजे हमारी पार्टी है ना, उसमें गुना को भी बुला लेना। लेकिन उसे तो पुलिस। वो बाहर आ जाएगा। ACP से कहना कि कोर्ट में केस बाद में भेजे, समझ गए ना? आज मैंने आपसे बहुत सीखा। क्या सीखा? अगर कोई अपने से शान पट्टी करे तो उस टेढ़े इंसान को डंडा डाल के सीधा करो, हंसो और हंस के बैंड बजाओ।
ए गवाह, तूने उनके खिलाफ कंप्लेन तो लिखा दी, पर तू उन्हें जानता नहीं है। वो लोग भी मेरे बारे में नहीं जानते। बांजे, आज तूने बिल्कुल सही नहीं किया। तू उन लोगों को जानता नहीं है, मगरमच्छ के साथ बैर करके मछली पानी में नहीं रह सकती। ये जंगल का कानून है। बोल दिया, ये जंगल नहीं इंसानों का शहर है। अरे लेकिन वो तो जंगली है। देखा जाएगा। अरे समझने की कोशिश तो कर, मेरी बात तो सुन। भांजे रुक जा। हाय। हे। ये क्या, आज स्कूल में काफी देर हो गई। आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी ना। ओके। वैसे तुम मेरे साथ घर चलोगे? हाँ। पर किसी ने देख लिया तो? मेरे पास एक आइडिया है, अजनबियों की तरह चलेंगे हम दोनों। तुम कह रही थी आज पेरेंट्स मीटिंग थी ना, मतलब बच्चों के पेरेंट्स तुमसे मिलने आए होंगे। दिन तो बढ़िया रहा होगा, है ना? कोई बढ़िया बढ़िया नहीं था, मुझे तो वो टॉर्चर लगा। बड़ों से बेहतर तो बच्चे होते हैं। अगर कोई बच्चा रोए तो मैं उसे चॉकलेट दे देती हूँ और चुप कराती हूँ, बस हो गया काम। क्या हॉट स्टूडेंट है यार। क्या तुमने वो सुना जो मैंने सुना? क्या सुना? उन्हें मैं कॉलेज स्टूडेंट लगी। हे रुको रुको, मेरा घर आ गया, कल मिलती हूँ, बाय। ये रहा। ए, जाके देख। वो आ नहीं है। अच्छा आ गुना, तू हॉस्टल आ जा, देखते हैं कब तक बचता है। अरे ये सेकंड ईयर वाला प्रकाश इसी घर में रहता है ना? फोन कर उसे। हाँ प्रकाश बोल, क्या हुआ? हाँ मामा, कहाँ पर हो? मैं कैंटीन में हूँ। ओके, बाद में फोन करता हूँ। फोन काट दिया, आज तक कभी ऐसा नहीं किया। आज तक कभी उसने ये भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। मामा चाय ऑर्डर कीजिए, मैं अभी। वो इस तरफ गया। उस दिन तो पुलिस स्टेशन में क्या बोल रहा था? फ्यूचर खराब हो जाएगा, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, यही बोल रहा था ना? तू हमारी लाइफ बनाएगा, तू हमारी लाइफ बनाएगा साले। ये बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तू जिसे बुलाना चाहता है बुला ले, उनका भी यही होगा। मामा चाय ठंडी हो रही है। ओके सर। जगन आ गए, तुम्हें भी मानना पड़ेगा, एक बार तुम्हें जो काम दिया समझ लो हो गया। वैसे ये काम तुमने मेरे लिए किया या अपनी पार्टी के लिए? सर आप और पार्टी मेरे लिए एक ही बात है, आप खाली इशारा कीजिए पूरा शहर हिला के रख दूंगा। शाबाश जगन, मैं तुम्हारी काबिलियत जानता हूँ, दिल्ली चलने की तैयारी करो, मैंने हाई कमान से तुम्हारे लिए बात कर ली है। थैंक यू सर। बस तुम अपने सपोर्टर्स तैयार रखना। वो रेडी हैं सर। गुड लक सर। रखिए। अच्छा सुनो, आज शाम को हमें एक पार्टी मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है, लेकिन तब तक यहाँ कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। लफड़ा तो हो गया। क्या मतलब?
जिसने हमारी कंप्लेंट की थी उसने हमारे लड़कों को कुत्ते की तरह धोया। गुनाह कहाँ है? आखिर तुम्हारा उसके साथ पंगा क्या है? मुझे कुछ आइडिया नहीं भाई, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसे किसी ने पैसे दिए होंगे, वरना वो ऐसा क्यों करता? आप खुद ही सोचो ना भाई। ए, चुप कर। उसे इस शहर में पहले कभी नहीं देखा। हाँ भाई, आपने सही कहा, वो इस शहर का नहीं है। अब ये सारा मैटर भूल जाओगे? आप टेंशन मत लो भाई, अब वो बचेगा नहीं। मारने के लिए कहा क्या? मैंने ये कहा कि मैटर भूल जाओ। जरा सोचो, तुम लोगों पर केस हो गया है। अब क्या करें? समझ गया। इतनी सी बात? पूरे मूड की बैंड बजा दी कथा। फिर क्या, गुस्से से ऐसा लुक दिया ना। तो तुम्हें गुस्सा करना भी आता है? साइलेंस। ठीक है तो चलो। कहाँ जाना है? तुम्हें छुट्टी लेनी थी ना, स्कूल से दूर जाना चाहती हो ना, चलो। ए, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, अगर भैया को पता चल गया तो। नहीं नहीं, रहने दो। अब बहाने मत बनाओ। अब हमारी एचएम बहुत स्ट्रिक्ट है, परमिशन नहीं देंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी ये क्लास बंक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने कब कहा कि अभी जाना है, हम शाम को चलेंगे। कंप्लेंट लिखवाई थी। तुमने इन गुंडों की कंप्लेंट लिखवाई थी? थे घर में तोड़फोड़ की और चाचा को बहुत मारा। ए, मैंने कहा था ना उनसे दुश्मनी मत लेना, तू नहीं माना। अब देखा ना क्या हो गया।
वो मुझे धमका के गए हैं कि मैं तुझे बोल के उनके खिलाफ की गई कंप्लेंट वापस लूं और तुझे अगली गाड़ी से घर भेज दूं। तेरा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, सामान बांध और निकल। हाँ बेटा, वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम उनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो, अपने घर वापस चले जाओ बेटा। हाँ भैया, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो जो होना था इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कहा ना मैंने तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आगे मैं जानता था तुम अपनी कंप्लेंट वापस लेने आओगे। मेरी एक बात मानो, शहर छोड़कर दूर चले जाओ। ओके सर। सर उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। भाई आज आपने दिल खुश कर दिया, बस आप दिल्ली पहुंचे और खुशखबरी दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपका कॉल आते ही कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को लेकर। क्यों बे? अरे मेरी क्या किया, तुम लोगों को समझाया था ना। कंप्लेन वाला लड़का अपने कॉलेज में आया। सबके सब एक साथ मेरे लिए? मैं जानता हूँ कि तुम सब मिलकर मुझे मारना चाहते हो। वो क्या है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे लोगों को दादागिरी दिखाने के लिए बस उन्हें पीटते हैं, कुछ लोग बस तमाशा देखते रहते हैं, तो कुछ बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। सॉरी बॉस, मैं किसी को मारने का प्लान बनाकर नहीं आया था, बाय मिस्टेक। अगर मेरे हाथों तुम में से कोई पिट जाए तो बुरा मत मानना। चलो कुछ लोगों को तो अक्ल आई। एक्सक्यूज मी, तुझे तो मानना पड़ेगा, तुझे हमने शहर छोड़ने को कहा और तू सीधे हमारे कॉलेज आ गया। तेरी तो ब्रांड बहुत हीरो बनने का शौक है तुझे, क्यों आया यहाँ पर, क्यों आया हमारे कॉलेज में? ए सुन, कोई कॉलेज क्यों आता है? कॉलेज में पढ़ने के लिए है ना, जरा इनको बता। ए तू मुझे सिखा रहा, मुझे सिखा रहा तू? प्रॉब्लम क्या है यार, क्यों बे? गुंडागर्दी के अलावा तुझे कुछ आता भी है या नहीं? हाथ हटा, बोला ना हाथ हटा। एक सबको मार रहा है कि सब एक को मार रहे हैं? रुक जाओ, रुक जाओ। तुमने आज ही ज्वाइन किया है ना, और आते ही शुरू हो गए। इसने मुझसे पूछा मैं कॉलेज क्यों आया हूँ, जब मैंने कहा पढ़ने के लिए तो पता नहीं क्यों इसने मुझसे झगड़ा शुरू किया। तो इसके लिए तुम इसे मारोगे? मेरे मारने से पहले या बीच में आ गए, वरना इसे ऐसा मारता कि अकल ठिकाने आ जाती। आपने खामखा बीच में आके आज इसकी जान बचा ली है। क्यों बे, मैंने मारा तुझे? आपने देखा इसने मना कर दिया, ये मारा मारी तो इनका रोज का काम है सर।
आप जाइए यहाँ से, मुझे भी लेक्चर के लिए जाना है सर। ठीक है जाओ, चलो चलो अपनी अपनी क्लास में जाओ। गो फ्रॉम हियर बैक टू क्लासरूम्स। Excuse me, sir. Can I come in? How? Chapter number 3 is about non-cooperation movement and it is widely Hi. Considered Hello. To be an important movement during the British rule. It was led by Mahatma ये सारे गुंडे कम थे क्या? जो एक और गुंडा आ गया। क्या? National Congress. कुछ नहीं। मुझे तो डर लग रहा है, उसे क्या जरूरत थी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने की? इससे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पता नहीं सत्या के दिमाग में क्या चल रहा है। इससे पूछ लो, मुझे क्या पूछती हो? अंकल, ये राइस आंटी ने बनाया या आपने? अरे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ही बनाया, आराम से खाओ। आओ आओ तुम भी नाश्ता कर लो। मेरा कंप्यूटर बाहर किसने रखा? बेटा आज से तुम्हारा कंप्यूटर हॉल में रहेगा। ये आइडिया हमें सत्या ने ही तो दिया है, इसे हम सब यूज कर पाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए मुझे भी नेट की जरूरत पड़ती है, अब से नो टेंशन। और नई नई रेसिपीज भी सीखने को मिलती है। मतलब तुम नेट से देखकर रेसिपी सीखती हो? और नहीं तो क्या। गुंडों के खिलाफ कंप्लेन करने की क्या जरूरत थी? वो क्या पागल है? क्या कोई इस तरह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है क्या? अरे आ गए तुम। तुम ठीक तो हो ना? इतने दिनों से दिखाई नहीं दिए, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इतने दिन तक कहाँ थे तुम? मैंने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। कॉलेज? तुमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया? कौन सा कॉलेज? MGM कॉलेज। क्या बढ़िया न्यूज़ है। वैसे भी ये तुम्हारी उम्र कॉलेज जाने की है और एंजॉय करने की है। हाँ, अगर वो गुंडे तुम्हें तंग करेंगे तो कॉलेज के सब लड़के उन्हें सबक सिखाएंगे, है ना? इसीलिए कॉलेज ज्वाइन किया है ना? बहुत अच्छा आइडिया है। अब तुम जाकर यंग और डैशिंग लग रहे हो। अच्छा अब मेरी ट्रीट कहाँ है? बताओ क्या चाहिए? अभी तो कुछ नहीं, बाद में सोच के बताऊंगी। अच्छा कॉलेज में लोग ढेर सारे नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, तुमने फ्रेंड्स बनाए कि नहीं? हाँ एक बना तो है। सच में? तुम दोनों ने मिलके कॉलेज में धमाल मचाई होगी ना? हाँ हाँ मचाई। देखा मैंने कैसे पता लगा? स्मार्ट हो ना, फ्रेंडशिप करते वक्त कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तुम बस देखती जाओ। शिव सुन ना, आज की कोई नई खबर सुना ना यार? नहीं पता तो सुन, कॉलेज में फिर मारपीट हुई। गुना के लड़के गुंडागर्दी कर रहे थे। लेकिन वो ऐसा करते क्यों हैं? क्या पता, तू जानता नहीं है क्या गुना कैसा आदमी है? अरे कॉलेज में एक नया लौंडा आया और आते ही गुना से भिड़ गया। जैसे ही उसने हमें वार्निंग दी मैं तो चुपचाप पीछे खिसक लिया, लेकिन गुना और उसके आदमी को कौन समझाए? अरे इतना दिमाग तो होना चाहिए ना मेरी तरह कि जब तुम्हें लगे कि आज तुम्हें कोई कुत्ते की तरह मारने वाला है तब मेरी तरह सीना चौड़ा करके उल्टे पाँव पतली गली से निकल जाना। लगता है गुना को अब मुझे ही ट्रेनिंग देनी होगी। लेकिन मैंने तो सुना है वो एक नंबर का खिसका हुआ है, पर वो ऐसा करता क्यों है? करता क्यों है? लगता है गुना के साथ तुझे भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बेवकूफ। एक्सक्यूज मी सर। यस। मुझे क्लास से बाहर जाना है। क्यों? अगर आपको बोर्ड को ही पढ़ाना है तो मैं क्लास में टाइम वेस्ट क्यों करूं? अगर बोर्ड से ही सब कुछ कॉपी करना है तो टेक्स्ट बुक क्या बुरी है? सॉरी सर, लेकिन ऐसी क्लास में नहीं पढ़ना। जल्दी करना, नया है क्या? एक्सक्यूज मी बॉस, बॉल प्लीज। हेलो बॉस, ये बास्केटबॉल है फुटबॉल नहीं, आगे से किक मत करना। ए, मुझे सिखा रहा है क्या तू? बास्केटबॉल और फुटबॉल के बीच का फर्क नहीं पता मुझे? 3 इयर्स बास्केटबॉल नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ मैं। जाके स्टाफ रूम में देख ले मेरे नाम के कितने कप और मेडल्स रखे हैं। सुरेश कुमार MA and MBA, बास्केटबॉल के बारे में बताने आया है, वो भी मुझे? जो हो गया उसकी डींगे मत मारो, आज की बात करो। आज तुम बास्केटबॉल को किक मारने वाले एक्स चैंपियन हो। कूल डाउन। तुझे मैंने पहले ही समझाया था, लेकिन लगता है तेरे भेजे में मेरी बात घुसी नहीं। अगर तुझे घूमने का इतना ही शौक है तो मुझे बताना, मैं तेरे को घुमाऊंगा। मुझमें क्या बुराई है? कब सुधरेगा? सुधरना मुझे है कि इसे? प्यार से समझा रहा हूँ तो बात समझ में नहीं आ रही है। सुनाई दे रहा है तुझे? क्या बोल रहा है ये?
क्या रे, तेरे को बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है क्या तुझे? ए बोलना, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। बाइक पे कॉलेज का चक्कर लगाऊं क्या? ए तू यहाँ क्या कर रहा है बे? कुछ नहीं। चल निकल। तेरी प्रॉब्लम क्या है? बॉस, ये लड़ाई इसने शुरू की थी, मैंने नहीं। मैं इसके पास आया था क्या? हाँ आया था, मैंने कुछ बोला था? लेकिन अब ये पीटेगा। क्या कर रहा था ये? रैगिंग। रैगिंग तो ढंग से करो यार, मुझे बेकार का बात पसंद नहीं है। क्या हुआ? दोस्त है तो दोस्त के भेजे में थोड़ी अकल डालो ना। अगर ये मुझसे पंगा लेगा तो कुत्ते की तरह पिटेगा। तुम लोग दोस्तों के दुश्मन। अब तुझे पिटने का शौक है तो हम क्या करें? वो मुझे मार रहा था और तुम लोग। कॉलेज कैंपस में भाई बनता है, साले को बाद में देखता हूँ। हाय, तुमने इस लड़की को गुंडों से बचाया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मिस प्रियंका। हाय प्रियंका, मैंने उसे लड़की को छेड़ने के लिए नहीं मारा, मैंने उसे मारा क्योंकि वो मुझे छेड़ रहा था। मुझसे पंगा लेगा तो बुरी तरह पिटेगा। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम उन सबसे अलग हो। हम इस कॉलेज के अच्छे बैचेस में से हैं, उनकी तरह मारपीट नहीं करते। फ्रेंड्स? अच्छा हो या बुरा, मुझे ग्रुप पसंद नहीं है। बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है तो उसमें पानी डाल देना यार। वैसे एक बात बोलूं क्या, बाइक को थोड़ी पता है कि वो पेट्रोल या पानी, डाल दे। तीन चाय। तीन चाय क्यों? टीचर भी आई है। अच्छा टीचर आई है। टीचर यहाँ है। इसने कहा इसके भैया के कैंटीन में मैं इसे ट्रीट दूँ। इसको ट्रीट चाहिए, वो भी उसके भाई की कैंटीन में। अबे पिटवाएगा क्या? टीचर ने बोला मामा, मानना तो पड़ेगा ना। तू पुरुष ही नहीं महापुरुष है। तेरे आधे से ज्यादा बातें मेरी समझ में ही नहीं आती है। वेटर चलो जल्दी से यहाँ तीन चाय रखो और खिसको। मुझे लगा वेटर है। ये तीसरी चाय किसके लिए? तेरी बहन के लिए। मेरी बहन के लिए, मेरी छोटी सी बहन। ओ तो कहाँ है आपकी बहन? वो जरा शर्मीली है ना, लाओ मैं उसको चाय देता हूँ, लाओ। अरे मामा, अगर कैंटीन रंजीत का है तो चाय भी यही देगा ना, आप बेकार में बीच में क्यों पड़ रहे हैं? बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बस क्या भाई, आपकी बहन मेरी बहन है, बताओ ना कहाँ है वो? वो बाहर खड़ी है। अबे बच्चे की जान लेगा क्या, मरवाएगा क्या? मामा आपकी बहन अनजान मर्दों से बहुत चिढ़ती है ना। पिछली बार एक को बहुत धोया था। मैं ना चाय के साथ समोसा फ्री है। चाय काफी है। अनजान आदमी को तो होती है, बेटा रंजीत तू तो एकदम अनजान है। नजर चुकाए जा और वापस आ जा। सुनो मेरी डेंजर बहना, ये लो चाय। जी। बास्केटबॉल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, यही बोला था ना? साला फिर से बच के निकल गया। Thank you.
बॉल दे। बॉल चाहिए? चल भाग यहां से। अब साला जिंदगी में कभी बास्केटबॉल नहीं खेलेगा। देखो कैसे मुंह को लटकाए आ रहे, बड़े जोश के साथ सत्य की पुंगी बजाने गए थे। उस साले की पुंगी कोई भी बजाए, पर वो कमीना मेरे ही हाथों मारा जाएगा। अरे भाई से कब मिलना है? तूने इसका पता लगाया क्या? भाई से हम कल मिलेंगे। स्टूडेंट्स बाहर मेरा वेट कर रहे हैं, उनसे मिलकर मैं आपको फोन करता हूं। वेलकम टू हैदराबाद मिस्टर जगन प्रसाद। क्या हुआ, एक भी स्टूडेंट नहीं आया इसलिए होश उड़ गए? मैं आया हूँ ना। ओह, मैंने तो गुड न्यूज़ दी ही नहीं। अब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ उसी कॉलेज का, MGM कॉलेज। तुम्हें लगा मैं अपने घर लौट जाऊँगा या फिर आज के बाद तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। डर कर भागना मेरी आदत नहीं है। वो अलग बात है कि तुम जैसे चूहे स्टूडेंट्स को अपनी ढाल बनाते हैं। MGM कॉलेज में कई सारे गैंग्स हैं जहां गैंग्स वॉर्स होती रहती हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना, ओके? ऊपर से मुस्कुराना और अंदर से घबराना, ये टैलेंट नया है या पुराना? बेचारे स्टूडेंट्स इसी मुस्कुराहट के चक्कर में फंसे हैं। मैं उनके सामने तुम्हारा पर्दाफाश करना चाहता हूँ, ओरिजिनल कैरेक्टर दिखाना चाहता हूँ। इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल। रमना, सॉरी सर, आपकी इंसल्ट, वो भी बिना कंसल्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? अब जा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग भाई। आओ आओ आओ, बैठो। नमस्ते भाई। रहने दीजिए भाई, आपका दिल्ली का काम कैसा रहा? फैंटास्टिक। बताओ, कॉलेज की कोई नई खबर? वो गया नहीं भाई, उसने तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया। किसने? वही लड़का जिसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट? अच्छा, वो लड़का। रमना, सुना तुमने? जिसने हमारी कंप्लेंट की थी उसने इन स्टूडेंट्स का कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। आते ही उसने हमारे राम को बुरी तरह मारा भाई। अच्छा, तो अब तुम लोग उसका बैंड बजाने की सोच रहे हो? बेचारा, पहली मुलाकात में तो वो मुझे बहुत सीधा साधा लग रहा था, फिर लगा शायद वो शहर छोड़ देगा, लेकिन वो ऐसे नहीं मानने वाला। उस दिन चाय की दुकान पर भी झगड़ा कर रहा था भाई। चाय? उसका इसमें कोई हाथ नहीं है भाई, हम संभाल लेंगे। अच्छा, हम चलते हैं। चलते भाई। गुना? हाँ भाई। तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी गैंग तो है ना? है ना भाई, बुलाना है क्या? नहीं, जरूरत पड़ेगी तो बता दो। भाई, वो उस दिन एयरपोर्ट पे नहीं आ पाए। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू भी? चल। सॉरी भाई, फिर ऐसा नहीं। अरे मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, भूल जाओ। बाय। अच्छा हुआ ये मैटर भाई को बता दिया, और नहीं तो क्या। भाई वो चले गए। ब्रह्मा, आज के बाद कॉलेज की हर बात मुझे पता होनी चाहिए। रमना। भाई आया भाई। हाय फ्रेंड। ओह सॉरी, क्लासमेट। चलते हुए बात करें। वैसे तुम में कुछ तो बात है। इससे पहले उन लोगों से जिसने भी पंगा लिया उन सबको मार दिया गया, लेकिन तुम्हें देखो, उनकी बैंड बजा रखी है लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। कहीं तुम जादूगर तो नहीं हो? स्टूडेंट्स को समझने के लिए कोई भी काला जादू करने की जरूरत नहीं है। हर एक ग्रुप में एक लीडर होता है और एक बेवकूफ होता है। उस बेवकूफ को ऐसा लगता है कि उससे समझदार और कोई नहीं। जब भी लड़ाई होती है बेवकूफ सबके सामने आता है, अगर एक बार उसे ठोक दिया तो सब पीछे हट जाते हैं। लीडर कभी बेवकूफ नहीं होता, जो बेवकूफ होता है वो लीडर नहीं बनता। लीडर को पहचानना जरूरी है। रुक रहे, किधर वाक्य जा रहा है? अभी मामला खत्म नहीं हुआ, उस दिन तो बहुत उछल रहा था भाई, आज इसको छोड़ेंगे नहीं। भावना, मैंने अभी जो समझाया तुम समझ गई ना? अच्छी तरह से।
और ये भी कि मेरे सामने इतने सारे बेवकूफ खड़े। तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, अगर तेरे घर तक बात पहुँची ना तो सोच ले तेरा क्या होगा। 2340-4060 मेरे घर का नंबर, तू चाहे तो मेरे पेरेंट्स को बुला सकता है। इसे लगता है हम डर गए। कहाँ गया वो? वो तो वो रहा। बॉस तुम्हारी गट्स को वाकई सलाम है, मैं तो इम्प्रेस हो गई। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। ए, किसको बोल रहा है बे? सुना नहीं क्या तुझे बोल रहा हूँ? ए, तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया बे? वेरी गुड, किसी ने सही कहा है, कुत्ते की तुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। एक बात पूछो, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से दोनों ग्रुप्स एक हो जाएंगे। रवि मेरी बात सुन, वो तेरा मेरा हम सबका दुश्मन है, फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हाँ तो बोल क्या करें? हम दोनों मिल जाते हैं, मिलके उसकी बैंड बजाएंगे। भाई आपने इससे हाथ मिलाया? बंद कर। अरे कुछ तो बोलो, बता कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज वैसे ही चल रहा जैसे चलना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हारे भैया? हाँ, मेरा भाई कहाँ से याद आया? ये भी अभी टपकना था। अरे तुम सत्य हो? हाँ। यहाँ कैसे? यहाँ बस बस यही रहता हूँ। ओह ओके। और ये मेरी बहन है। हाय। हेलो। अपने लिए लड़का मैं खुद ढूंढ लूंगी। चलो चाय पी के जाओ। नहीं नहीं मुझे लेट हो रहा है। 2 मिनट में बन जाएगी। मुझे तो बताया तक नहीं। वैसे तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? कॉलेज जाने के लिए। मुझे भी कॉलेज जाने का बड़ा मन था पर कभी जा ही नहीं पाया, इसलिए कॉलेज के पास मैंने अपनी कैंटीन खोल दी। अरे रोहन, ये मेरे बापू है। नमस्ते। और ये मेरी और बाबू, ये सत्या। अच्छा, क्या काम कर रहा है? नंगा क्यों है? मैं मेहमान है, इसे रख लीजिए। डिग्री सेकंड ईयर। ये मेरी आदि। पापा हमारी कैंटीन में ये अक्सर चाय पीने आते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे आदमी है। और सत्या ये मेरी और रुको, कहाँ भाग रही हो? मेरी पत्नी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आप अकेले ही आए? मम्मी डैडी नहीं आए? मम्मी डैडी वो सारे वाइजैग में रहते हैं, मैं मामा के साथ रहता हूँ। ठीक है, तो मामा को साथ ले आते। तुम चाय बनाने वाली थी ना? चाय लेके आओ। बहुत बातें करती है लेकिन चाय बहुत जबरदस्त बनाती है। अच्छी चाल है, मानना पड़ेगा, पड़ेगा ना? इतना सारा खिलाओ। आप लीजिए ना। नो थैंक्स। बापू शुगर, तुम जाओ चाय लेके आओ। सिर्फ दूध डालना ही बाकी है। क्या बना रही है तू? अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार नहीं होना है, चल जाके चाय दे क्या? ये ले। मैं क्यों दूं? अरे तुम नहीं दोगी तो क्या मैं दूंगी? अच्छे से बिहेव करना। क्या चलो जल्दी जाओ। क्या चाल है, तुम्हारी ऊंट डेंजर में आ गई? लो मारा गया ना। क्या किया सत्या, लगता है तुम्हें खतरों से खेलने का बहुत शौक है। जो इंसान खतरे से भागता है उसके लिए लाइफ खतरा बन जाती है। जब आगे कोई रास्ता ना दिखे तो रास्ता बनाना पड़ता है। चेक, संभल के रहना एक बात है लेकिन डर कर जीना बिल्कुल गलत। कम से कम तुम ही समझाओ, ये डर के मारे अपनी छोटी बहन को कॉलेज तक नहीं भेजता। तो क्या करूं, इसकी सेफ्टी के बारे में किसी को तो सोचना पड़ेगा। कॉलेज से ज्यादा सेफ कौन सी जगह हो सकती है? वहाँ आपका ख्याल रखने के लिए आपके दोस्त हमेशा साथ होते हैं। जो भी हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, कॉलेज में पढ़ाई कम गुंडागर्दी ज्यादा होती है, पता नहीं कब क्या हो जाए। वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। साला कुछ भी बोलो उसमें कुछ तो बात है, जहां भी जाता है सबकी फाड़ के रख देता है। उस दिन रवि के दोस्त को पूरे कॉलेज के सामने मारा था। चिरकुट, मेरी चाय कहाँ है? अभी तो दिया ना। हाँ? तो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा? भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, कॉलेज आ जाते हैं, चाय की चुस्की मारते हैं, लड़कियों को देखते हैं और दिल बहलाकर शाम को घर चले जाते हैं। हम लोगों की जिंदगी में और बचा ही क्या है? हमारा तो यही फंडा है। वैसे आपका क्या फंडा है? उस दिन आपने रवि के दोस्त की पूरे कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने वाट लगा दी थी। नहीं, मैं तो आपका फैन हो गया भाई। अगली बार किसकी धुलाई करने वाले हो? मैं बोलता नहीं करके दिखाता हूँ, पता है ना? तुम इसलिए तो कॉलेज में फेमस हो गए हो। मेरा एक उसूल है, मुझसे नड़ोगे तो पिटोगे। तुम हमसे दोस्ती कर लो, देखना तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। और सुनो, इस बात की गारंटी मैं खुद लेता हूँ। ऑफर बुरा नहीं है,
ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। यार मेरा दिल कर रहा है मैं जाके गुना के गाल पे दो चार चमाट चिपका दूँ। अच्छा सपना, वो सब छोड़, सामने देख कौन आ रही है। तुम यहाँ क्यों आई हो? आज स्कूल नहीं है? टेंशन में क्यों लग रही हो? कहीं बैठ के बात करें। बात क्या है? अरे बात तो इतनी बड़ी है कि सोच सोच के मेरी हालत खराब हो गई है। उस दिन जब तुम घर आए थे तो भाभी को लगा कि तुम मेरा हाथ मांगने के लिए आए हो, और तभी से मेरे भैया मुझसे सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कह दिया कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। झूठ कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ? तो आखिर में क्या करती? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बहुत टेंशन हो रही थी। पता है मैं इतनी डर गई थी कि थर 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 कांप रही थी। झूठ कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? एक ही सवाल क्यों करे? हे, क्या हुआ? मैंने घर पे बताया कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों, बहुत टेंशन थी। और मैं कुछ बोलूं? तुमने सिर्फ यही कहा कि हम दोस्त हैं ना, तो क्या हुआ? मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। एक ना एक दिन तुम सच जरूर बोलोगी। फैक्स है सर। एवीएम कॉलेज के प्रिंसिपल रंगराजन ने कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम पर हाल ही में एक नई रिसर्च कमेटी बनाई है, और मुझे उस कमेटी का मेंबर बनाना चाहते हैं। क्या बात है सर, ये तो अच्छी खबर है। प्रॉब्लम सिस्टम में सर, स्टूडेंट्स में नहीं। हो सकता है इस रिसर्च से कुछ स्टूडेंट्स का भला हो जाए। वैसे भी ये स्टूडेंट्स गुंडों से कम नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा हरगिज नहीं लगता। ऐसा ही है सर, वो रोज क्लास में सबके सामने मेरी इंसल्ट करता है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का ऐसा है जैसा आप उसके बारे में बता रहे हैं। अगर ऐसा होता तो जाहिर है उसका भी कोई गैंग होता। मुझे यकीन है उसके आने के बाद कॉलेज का माहौल बदला है। प्रिंसिपल, सूरज को लीड कराओ, सूरज को लीड कराओ, प्रिंसिपल शांत हो जाओ, प्रिंसिपल शांत हो जाओ, तुम लोग सूरज को लीड कराओ। अब देखिए कैसे प्रिंसिपल की वाट लगाते हैं। सुरेश को लीडर बना के स्टूडेंट्स का जीना मुश्किल कर देंगे। तू देख, जीरो को हीरो बनाने चले। हमारा लीडर सुरेश बनेगा। अबे जल बदलू। सुरेश जिंदाबाद, सुरेश जिंदाबाद, प्रिंसिपल मुर्दाबाद, प्रिंसिपल मुर्दाबाद। ये क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने? साल में इतने दिन नहीं होते जितनी तुम्हारी स्ट्राइक होती है। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? कॉलेज सीनियर सुरेश कुमार को प्रिंसिपल। हाय हाय प्रिंसिपल, शांत हो जाओ। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारी रोज रोज की स्ट्राइक से। प्रिंसिपल हाय हाय, सुरेश को प्रिंसिपल हाय हाय। ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता हूँ। कमेटी की मीटिंग बुलाकर मैं कोशिश करूंगा कि डिसीजन आप सबके ही फेवर में हो। देखा, तुझे बोला था ना। देख देख भाई, भाइयों क्या जोड़ी है। कलयुग के राम और लखन आ गए हो ना हो। मुझे तो ये सब उस असत्य का किया थरा लगता है। हेलो भाई। हेलो भाई। हेलो भाई। MGM कॉलेज में वो हो गया जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं हमेशा से यही चाहता था कि रवि और गुना एक हो जाए। आज तुम दोनों को एक साथ देखकर कसम से मेरे दिल को ठंडक मिल गई। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट काउंसिल हमारे हाथ में होगा भाई। यहाँ तुम सब एक साथ हो और वो वहाँ अकेले क्यों भटक रहा है? मैं जरा उससे बात करके आता हूँ। भाई तब तक रमना तुम्हें समझा देगा, मैं अभी आया। भाई वो सत्या से क्या बात कर रहे हैं? उसे वार्निंग देने गए हैं। सुना दोस्तों, भाई उसकी बैंड बजाने गए। किसकी बचती है पता चल जाएगा, कहीं तुम्हारा ही बैंड ना बज जाए। सत्या सत्या करेक्ट। जब मैं स्टूडेंट था तो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, वही पावर वही गुस्सा। आज भी मुझे लगता है जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं इन सबके साथ रहता हूँ। पता नहीं तुम्हारी और मेरी क्यों नहीं जम रही है। जो हुआ सो हुआ, कॉलेज या कॉलेज के बाहर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। सभी का भाई हूँ तो तुम्हारा भी।
भाई को हाथ लगा। तुमने मुझे भाई कहा पर मेरे हाथ रखते ही डर गए। सच तो ये है कि तुम अलग हो और मैं अलग हूँ। आखिर तू चाहता क्या है? कुछ खास नहीं, बस तेरा जो यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन है ना वो काटना चाहता हूँ। शायद तू इनके बारे में नहीं जानता, इन स्टूडेंट से अभी तक तेरा पाला नहीं पड़ा है। अच्छा ओल्ड स्टूडेंट्स, अगर तू इतना जानता है तो मैं तो नया स्टूडेंट हूँ। सोच मैं कितना जानता हूँ। और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, मैं तुझे भी अच्छी तरह जानता हूँ। बाजार में बैठी किसी वैश्या में और तुझ में ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि कुछ बातों में तो वो तुझसे भी बेहतर है। वो तो बस पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती है, तूने तो अपना जमीर बेच दिया है। मैं तेरी इन बातों में नहीं आऊंगा, कभी नहीं। आज के बाद अगर तू मेरे पास भी आया तो मार दूंगा। ओके ओके सत्या, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके वो लड़का अभी तक नहीं सुधरा? आप टेंशन मत लो भाई, हम हैं ना सुधारने के लिए। अच्छा तो ये बात है, क्या करने वाले हो? रवि और मैंने प्लान बनाया था लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। पर भाई आप इस बार देखना हम क्या करते हैं, बस एक बार हमारा पहला कदम कामयाब। गुना डर गया तू है ना, मैंने तो सोचा था कि तू कॉलेज का लीडर है। तू तो एक नंबर का फट्टू निकला। ऐसा नहीं है भाई, वो सारा जो भी करता है कॉलेज कैंपस में ही करता है, इसलिए मैंने रवि से हाथ मिलाया ताकि कॉलेज में ही। मतलब अब तू उसका कुछ नहीं कर सकता। ए सुन, मुझे तेरे कॉमर्स के नोट्स चाहिए थे, मिल सकते हैं क्या? ये लो भावना। हुँ? चलो चलते हैं। गुना ने तुझे क्यों बुलाया था? उसे कॉमर्स नोट्स चाहिए थे। गुना और कॉमर्स नोट्स? मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। जब से तू इस शहर में आया है सभी स्टूडेंट से लड़ता झगड़ता रहता है। तूने उस राउडी कॉलेज में एडमिशन भी ले ली, देखा क्या हुआ? मुझे ये बता तेरी उनसे दुश्मनी क्या है? वो लोग मेरे दुश्मन नहीं है मामा, बिल्कुल नहीं। स्कूल में भी मैं एक फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था मामा। हे, कल से हम लोग कॉलेज जाने वाले हैं। फिर मैं कॉलेज गया। कॉलेज की लाइफ में एक जादू है, लेकिन सोचा नहीं था मैं भी उस जादू का शिकार हो जाऊंगा। बाद में समझ आया कॉलेज में अचानक इतनी आजादी मिल गई कि मैं बिगड़ गया, गुंडागर्दी करने लगा। Yeah.
ये इसी की कार है ना, हम ज्यादा जिद करते हैं तो माँ बाप बाइक दिलाते हैं। बाइक पर अलग अलग लड़कियों को बिठाकर हमारा दिल खुश हो जाता है। साला बाइक ठीक करने के पैसे नहीं है और ये सबके सामने अपनी गाड़ी की डींगे मारता है, उसमें लड़कियों को घुमाता है और घुमाएगा, हमारे कॉलेज की लड़कियों को छेड़ता है, हमें फटीचर समझता है। अब कौन सी कार में कॉलेज आएगा? इसे क्या हुआ? ये भाग भाग के यहाँ क्यों आ रहा है? लेक्चरर है ना, लूज मोशन हुआ होगा। ये कार उसी की है। नंबर तो काफी सेम था, पता नहीं है। गधा साला, कार चलाएगा तो तुझे लड़की मिल जाएगी। तो रेस कर लेते हैं। रेस? बाइक रेस? मेरे को बिठाओ ना। ये क्या है बे? कॉलेज है या स्कूल, इतनी बुक्स क्यों साथ लाया है? स्कूल हो या कॉलेज, पढ़ाई के लिए बुक्स तो चाहिए होती है ना। अच्छा, क्या यार, रोज वही खाना। वो छोड़, ये बोल कहाँ जाना है। ठीक है, हेड्स आया तो मूवी और टेल्स आया तो बीच। क्यों, क्लास नहीं जाना? ए, क्लास भी कोई जाने की जगह है। हाँ सत्या, तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे। एक चम्मच भी नहीं खाया, लगता है जब आपको पता चल गया। ऐसा मत बोल सत्या, यहाँ तो वो मेरे भी प्रिंसिपल है। तुम्हें कॉलेज पसंद नहीं है? उस लेक्चरर ने क्या किया था? उसी की कार मिली थी। उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की क्या? क्यों, अब उसे भी मारोगे? तुम में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक लाने की कैपेसिटी है। ऑल यू हैव टू डू इज ठंडा रखना है दिमाग, शांत रहना है तुम्हें। और नहीं झेल सकता, दिमाग का दही हो गया। सर आपने मुझे बोर कर दिया। ए सत्या, प्रिंसिपल शॉट। ओके, सत्या मैं कॉलेज में जो कुछ भी कहता हूं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। गलती तुम्हारी नहीं है, मैं प्रिंसिपल हूं, तुम मेरे स्टूडेंट हो, ये रिश्ता अपने आप में ही बहुत टेढ़ा है। चलो एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं, दोस्तों की तरह बात करते हैं। ट्रीट मी एज अ फ्रेंड। तेरे पास सिगरेट है? देना यार। ओके, चलना आज मैटनी शो देखने चलते हैं, क्या बोलता है? रात को डिस्को जाएंगे, दारू पिलाएगा ना। क्या सर, मुझ पे गुस्सा आ रहा है? हंसी आ रही। तुम कितने मजे से सिगरेट पी रहे, लेकिन सिर्फ 3 मिनट तक इसका मजा ले सकते। मैटनी शो जाओगे तो 3 घंटे, डिस्को गए तो कुछ और घंटे, लेकिन आज अगर तुमने मन लगाकर पढ़ाई की तो अपनी सारी जिंदगी तुम मजे से जी पाओगे। स्कूल में तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे तुम। वो मेरी गलती थी क्या? मुझे पता ही नहीं था कि लाइफ साला एंजॉय ऐसे करनी चाहिए। एंजॉय एंजॉय, तुम्हें जो एंजॉयमेंट लगता है वो दरअसल कुछ नहीं है,
नहीं है तो फिर आप मेरी क्लास क्यों ले रहे हैं? क्लास नहीं ले रहा, एक टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट आगे अच्छा काम करे। क्या तुम्हारे लिए सोचना गलत है? मेरे लिए ये सब सोचकर अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाने दो ना। व्हाट? मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ? तो और क्या कर रहे हो सर? पढ़ाई ने दिमाग चाट लिया। LKG, KG, KG से स्कूल, फिर कॉलेज, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए? जब इस कॉलेज में पहुंचा तब मुझे आजादी मिली। एंजॉय करूं या पढ़ाई करूं, इसी टेंशन में 2 साल निकल गए। डिग्री कॉलेज में 3 साल होते हैं। अब मैंने तय कर लिया कि मैं सिर्फ ऐश करूंगा सर। पढ़ाई के चक्कर में अपने लाइफ की पुंगी नहीं बजाना चाहता मैं। बस 2 साल और सर, 2 साल के लिए मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। हे, हर कोई ऐसा सोचने लगा तो इस देश का क्या होगा? अरे बाहर में जाए ये देश सर, ये मेरी लाइफ है, जो चाहूंगा वो करूंगा। एडवाइस देना बंद कीजिए। आ जाते हैं कहां से? कॉलेज में कम से कम क्लासेस लेने के बाद हम एग्जाम्स लेते हैं, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता। पहले एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद तुम्हें सीखने को मिलता है। यही जिंदगी का दस्तूर है। सारा मूड खराब कर दिया। आप गलत जगह दरवाजा खटखटा रहे हैं सर। आपको जितनी बकबक करनी है कर लीजिए, मेरे भेजे में नहीं घुसेगा। मॉर्निंग शो का टाइम हो गया। वैसे सर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे ना? यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। तो देश को क्यों नहीं सुधारा? बुज्जी अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। क्यों मोटू, पब में मजा आया ना? बहुत मजा आया सत्या। जाके अपने पापा को बोल। बाय बुज्जी। बाय बाय। कहां से आ रहे हो? वो हम बीच गए थे पापा। आजकल तुम इन लड़कों के साथ ज्यादा रहते हो, वो लोग तुम्हें परेशान करते हैं? अगर करते हो तो बोलो। नहीं पापा, अगर मैं उनके साथ नहीं जाता तो वो सब मुझे चिढ़ाते, मेरा मजाक उड़ाते, वो सब इंसल्ट करते हैं मेरी। इसीलिए कभी कभी चले जाता हूँ ताकि वो मुझे ज्यादा परेशान ना करे। वैसे भी अंदर जाके अब मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। वो सब ठीक है पर बस भी कीजिए, अभी अभी तो आया है और आते ही आप इस पे गुस्सा होने लगे। जाओ खाना खाओ। सत्या, तुम नहीं जानते ये कैसे करना है। मैं सिखाता हूँ। ए, प्रिंसिपल ने कॉलेज में डिस्को अरेंज करवाया। डिस्को? वो भी कॉलेज में? अरे वो नाचने गाने वाला डिस्को नहीं, डिसिप्लिन कमेटी। चलो बे। वेलकम टू एवरीबॉडी, आई एम हियर टू अनाउंस अ कमेटी कॉल्ड डिस्को। हमारे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स एंजॉयमेंट के लिए ही सिर्फ यहाँ पर आते हैं। हमारी तारीफ करें, इससे बाकी के स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं उनके लिए ही ये कमिटी बनाई गई है। कॉलेज होता क्या है? देश का भविष्य बनाने की प्रयोगशाला। देश कैसा बनेगा ये यहाँ स्टूडेंट्स के बिताए हुए साल तय करते हैं। इनफैक्ट एक सर्वे के मुताबिक 2020 में भारत देश में 50% ऑफ द पीपल विल बी यंगस्टर्स, यूथ। अच्छा, जरा सोचिए अगर ये सारे यंगस्टर्स समझदार होंगे तो देश कितनी तरक्की करेगा। लेकिन आज के स्टूडेंट्स को देख के मुझे सिर्फ सपना लगता है, डर लगता है। मैं सोचता रहता हूं कि इन्हें किस तरीके से सही। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ कहूं? एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, आओ। थैंक यू। क्या टॉपिक है आज का? डिस्को मीटिंग। क्या प्रिंसिपल सर ने भाषण दिया है, कॉलेज और स्टूडेंट्स यानी बैट और बॉल। लेकिन क्या हम कॉलेज में सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं? बिल्कुल नहीं, अगर पढ़ना ही होता तो हम कोई करेस्पोंडेंस कोर्स कर लेते। यहाँ सुबह सुबह कॉलेज में उठकर कौन आता? यहाँ हमारी फ्रेंड्स हैं, उनसे हम रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं। एंड यस ऑफ कोर्स क्लास में धमाल मचाते हैं। लेकिन एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्लास में पढ़ने वालों की जनरल नॉलेज मस्ती करने वालों के मुकाबले जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट जब देखो बुक्स चाटते रहता है। ए बुजी, खड़ा हो जा। सुन, अगर हम तुझे मेन मार्केट के बीचों बीच छोड़ दें तो तू कौन सी बस पकड़ के घर आएगा?
अब समझ में आया? पढ़ने वाले कुएं के मेंढक बन जाते हैं। कॉलेज वाले चाहते हैं स्टूडेंट्स के अच्छे रैंक्स आए, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा क्लास में टॉप करे। 16% स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा ना करने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। पिछले 3 सालों में 1600 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। यूथ के सुसाइड की खबरें बस छपती रहती हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने आत्महत्या की, नासिक के मेडिकल स्टूडेंट ने खुद को पंखे से लटका दिया, नागार्जुन यूनिवर्सिटी के पीजी स्टूडेंट ने खुदकुशी की, वाइजैक में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। अगर वो रैंक नहीं लाते तो क्या वो किसी से कम है? यूथ को बार बार अच्छी परसेंटेज लाने के लिए प्रेशराइज करते हैं ये लोग। कॉलेज में, घर में स्टूडेंट्स को टॉर्चर करते हैं। यहाँ वो लेटर है जो एक स्टूडेंट ने सुसाइड करने से पहले अपने पेरेंट्स के नाम लिखा था। मुझे माफ कीजिए, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर सकता, इसीलिए दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2020 तक 50% तो दूर, 20% स्टूडेंट्स भी जिंदा नहीं बचने वाले। दुनिया के सबसे कामयाब लोग मेरिट लिस्टर्स नहीं थे। फोन बनाया ग्राहम बेल ने, बल्ब की खोज की एडिसन ने, कंप्यूटर बनाया चार्ल्स ने, आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, हरिगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये रैंक होल्डर्स नहीं थे। लेकिन आज भी हम सब इन्हें मानते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इन पे प्रेशर नहीं डाला गया था। स्टूडेंट्स को ये मत सिखाइए कि एग्जाम में मार्क्स कैसे लाने हैं, उन्हें ये सिखाइए कि वो स्मार्ट कैसे बने, उनकी नॉलेज बढ़ाइए। हमें आज भी पुराना सिलेबस सिखाते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है लेकिन हमें वही घिसी पिटी पुरानी बातें सिखाई जाती हैं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम किस काम का? कॉलेज अगर एक लेबोरेटरी है तो स्टूडेंट्स वो टेस्ट सब्जेक्ट्स है जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आज जरूरत है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को उखाड़ फेंके। अगर स्टूडेंट पिकअप नहीं कर सकता तो उसमें उसकी क्या गलती है? गलती आपके प्रोसीजर की है। स्कूल में जाने वाले बच्चों की पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता? उन्हें पढ़ने का और खेलने का वक्त दिया जाता है, लेकिन क्या कॉलेज में जाने वाले बच्चों को सोचने का भी वक्त मिलता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे लेगा जब कोई प्रोफेसर रोबोट की तरह आकर बस पढ़ा कर चला जाए? हमें सुधारना है तो पहले आपको बदलना होगा। स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस कॉलेज से बस रट्टू तोते निकलेंगे, होनहार विद्यार्थी नहीं। सत्या, सत्या, ए, सत्या, सुनो, सुनो सत्या, मेरी बात तो सुनो। यू आर राइट, मैं तुम्हारे टैलेंट को जानता हूँ। अगर तुम सही तरह से फोकस करो तो बहुत आगे निकल सकते हो। अरे नहीं करना है मुझे फोकस, नहीं निकलना है मुझे आगे वागे, मेरा पीछा मत कीजिए, प्लीज लीव मी। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी। अगर तुम बिना स्पीच तैयार किए इतना बढ़िया बोल सकते हो तो सोचो तुम क्या नहीं कर सकते हो। तुम बाकियों से अलग हो, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। अब दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे कुछ करना है अभी के अभी। सत्या क्या है? बाइक रेस में हिस्सा ले। हाँ चल चल, अभी के अभी सबकी बैंड बजाते हैं। क्या नहीं कर सकते हो? तुम बाकियों से अलग हो, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। मेरी बात तो सुनो। यू आर राइट, अगर तुम सही तरह से फोकस करो तो बहुत आगे निकल सकते हो। बिना स्पीच तैयार किए इतना बढ़िया बोल सकते हो तो सोचो तुम क्या नहीं कर सकते हो। मेरी बात तो सुनो। यू आर राइट, मैं तुम्हारे टैलेंट को जानता हूं। सर, मेरे साथ आओ। आइए डॉक्टर।
आराम से बेटा। हाँ शांत रहो, ये पैसा एम्बुलेंस वाले को दे देना। हाँ सुनो वही रख दो सर। हाँ आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बताइए। हाँ बताऊंगा। सुनो रोने से क्या होगा, हाँ उठो चलो। अरे हाँ वो एम्बुलेंस के लिए पैसा दिया। हाँ कुछ नहीं हुआ, इधर पानी नहीं दिया किसी ने। हाँ कैसे सो रहा है देखो। अरे सुनो ये किताबें इसके पास ही रख दो, अभी उठ के पढ़ेगा। हाँ अभी उठते ही किताबें ढूंढेगा ये। हाँ देख लेना, रख दो रख दो रख दो। ये देख तेरी किताबें, जाएगा ना कॉलेज? जाएगा ना जाएगा, बोल के क्या था, अभी आ जाऊंगा। अब क्या आएगा, नहीं अब नहीं आएगा मेरा बेटा, अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा मेरा। खड़े क्यों, बैठो। मैंने जानबूझ के नहीं किया सर, वो बस एक एक्सीडेंट था, काश उसकी जगह मैं। देखो जो होना था हो गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हाँ मेरी कोई गलती नहीं थी लेकिन बुझी। कहा ना मैंने तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ तो मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी गलती नहीं है सर। तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी गलती नहीं है सर। कोई गलती, मेरी गलती नहीं है सर। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई लेकिन किसी ने मुझे उसकी सजा नहीं दी। फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, पेरेंट्स, हर किसी ने मुझे माफ कर दिया, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था और यह मेरे फ्यूचर का सवाल था। मेरी वजह से उस बेचारे मासूम लड़के की मौत हो गई। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख थी, मुझे खुद से नफरत हो गई। उस बात का दिल में पछतावा लेकर मैंने अपने दोस्तों, अपने कॉलेज को छोड़ दिया, और सिर्फ कॉलेज ही नहीं, मैंने तो उस शहर को भी छोड़ दिया। लेकिन यहां भी मेरे जैसे हजारों सैकड़ों लड़के हैं जो गुंडागर्दी करते हैं और सजा दूसरों को मिलती है। मुझ जैसे लोगों की वजह से लड़कियां कॉलेज आना पसंद नहीं करती। ऐसे लड़कों को देखकर दिमाग खराब होता है लेकिन गुस्सा दरअसल उनसे ज्यादा अपने आप पर आता है। उन्हें सजा देनी है लेकिन मेरा वो हक नहीं है। मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करता हूं लेकिन कर नहीं पाया। क्या बच्चों को लाड़ प्यार देकर मां बाप गलती करते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता, ये समाज कुछ नहीं कर सकता। मैं भी पागल नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ईगो, स्टूडेंट ईगो। मुझे पहली बार देश के बारे में सोचकर डर लग रहा है। मुझे अपने प्रिंसिपल सर की बातें याद आ रही हैं। मैं जानता हूं वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। मुझे कुछ तो करना होगा लेकिन मैं नहीं जानता क्या। प्रॉब्लम क्या है ये मैं जानता हूं। प्रॉब्लम कॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम हमारी उम्र है। ये उम्र हमसे उल्टे सीधे काम करवाती है।
और इस गलत उम्र के सारे बच्चों को एक साथ लाकर कॉलेज गलती करता है। जब तक स्टूडेंट्स नहीं बदलेंगे, जगन जैसे भाई बार बार पैदा होंगे। बदलाव तभी आ सकता है जब पेरेंट्स और जगन जैसे लोगों की सोच बदलेगी, जब स्टूडेंट्स सुधरेंगे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, उन्हें ये खुद सोचना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। एक चीज इस सब के आड़े आकर खड़ी हो जाती है, स्टूडेंट ईगो। ईगो को अगर जरा भी छेड़ा तो स्टूडेंट पागल हो जाते हैं, इसीलिए तो वो कॉलेज ज्वाइन करते हैं। मैं इसी ईगो को उखाड़ फेंकना चाहता था, लेकिन स्टूडेंट्स को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने बदलाव लाने वाले को ही बदल दिया और मुझे यहां इस हालत में हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अब बस एक ही इच्छा है, मेरी तरह कुछ और स्टूडेंट समझ जाए तो मेरे लिए बस उतना ही काफी है। मेरे दिल में स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल गुस्सा नहीं है मामा। दुआ करता हूं किसी को वो सबक ना मिले जो जिंदगी में मुझे मिला है, और कुछ नहीं। स्टेट के यूथ लीडर के तौर पर तुम लोग वहां पर जाओगे। तुम दोनों के लिए मैंने हाई कमान से बात कर ली है। दिल्ली से कुछ लोग यहां पर आ रहे हैं, उन लोगों के सामने तुम दोनों को बड़ी रैली करनी होगी। जो ज्यादा भीड़ जमा करेगा वो ही लीडर बन जाएगा। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। हे, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हां, सी यू सर। ऑल राइट, बाय। बस एक बार मुझे पता चल जाए, मैं मुंह नोच लूंगी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? तुम्हारे हाथ का खाना खाएगा तो सीधा ऊपर जाएगा। इसको हेल्दी खाना खाने दो। तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं? ये क्या बेटा, ये सब कैसे हुआ? तू ठीक तो है ना? मम्मी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? नहीं कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बस। एक्सीडेंट? पर एक्सीडेंट हुआ कैसे? हम दोनों बाइक पर हवा खाते जा रहे थे तो एक लॉरी ड्राइवर आया और उसने हमें उड़ा दिया। लॉरी ड्राइवर ने ठोका तो तुम सही सलामत कैसे हो? दीदी, वो क्या है ना, मैं पीछे बैठा था और सत्या बाइक चला रहा था। आज के बाद से तू बाइक मत चलाना, तेरे मामा चलाएंगे, तू आराम से पीछे बैठना। एक्सीडेंट कब हुआ? ये लड़की कौन है? कॉलेज स्टूडेंट है सत्या, और ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। पेशेंट को दो। सर, अब इन स्टूडेंट्स को कौन रोक पाएगा? उन्हें रोकने वाला अब आ गया है। ए सुरेश, इधर आ। तुम लोग प्रैक्टिस करो। तूने इसे जाने के लिए कहा था ना, अब ये स्टूडेंट लीडर बन गया है। पोस्टिंग अभी कंफर्म नहीं हुई है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज कमेटी ने हाँ बोल दिया, तू हमें मत सिखा। जहाँ तक सीखने सिखाने की बात है, तुम अभी बच्चे हो। मैंने इसे बस एक बास्केट डालने को कहा था, ये वो भी चूक गया। तुम्हें चाहे जो भी पोस्ट मिल जाए, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। खैर छोड़ो, किससे बात कर रहा हूं। ए रुक बे सुरेश, उस दिन ये क्या बोल रहा था? ये इसको लगता है कि ये बास्केटबॉल में मेरे से भी ज्यादा जानता है। क्या बोलता है? हो जाए फिर, लगी बैट। सोच ले, मुझसे मुकाबला करना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। मतलब तू बास्केटबॉल में इसको हरा सकता है? तो जाए गेम। ठीक है, अगर मैं हारा तो तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन मैं जीता तो तुम गुंडागर्दी बंद करोगे, समझ गए? हाँ, चलेगा चलेगा। अरे रवि, कहाँ जा रहा है? हम सब रैली के लिए लेट हो रहे हैं। सुन गुना, गेम 40 मिनट चलेगा, इस साले को मारने का चांस दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए आज ही मौका है। चल चल चल, हो जाए हो जाए। तरफ है सुरेश की टीम और एक तरफ है सत्या की टीम। सत्या की तरफ से है प्रकाश, विशाल, सागर। अच्छे से खेलना।
गेम की शुरुआत हो चुकी है, दोनों टीमें भिड़ चुकी है, सुरेश और सत्या के बीच कांटे की टक्कर हो रही है, कभी बॉल सुरेश के पास, कभी बॉल सत्या के पास, और ये पहला पॉइंट सुरेश के नाम, और अब बॉल है सत्या के हाथ में, अब देखते हैं वो पॉइंट बना रहा है। सत्या के माँ बाप को इस वक्त अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा होगा, वो जहाँ पर भी होंगे बहुत खुश हो रहे होंगे, और यहाँ सुरेश ने सत्या से बॉल छीन लिया, अपने टीम मेंबर के पास पहुंची, फिर से सुरेश के पास हो रही है। दोस्तों यहाँ पर खुली हवा के नीचे कड़क मैच चल रहा है, और ये उछल के हवा में बास्केट, और दोबारा से ये सुरेश के हाथ में, कभी सत्या के हाथ में, फिर से पास दिया, और ये बास्केट। दोस्तों यहाँ पर मैच बड़ी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, सत्या अपने बॉल के साथ बास्केट की तरफ, और ये बास्केट। सत्या की टीम पीछे चल रही है, सुरेश ने एक बहुत ही अच्छी पकड़ बना ली है गेम में, और ये प्लेयर्स खुली हवा के नीचे खुले विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए, कभी इसको पास करते हैं, कभी उसको पास करते हैं, और ये सुरेश पहुंच चुके हैं 20 पॉइंट पर, और सत्या पड़े हुए 16 पॉइंट पर, सत्या के हाथ में बॉल, बास्केट की तरफ बढ़ते हुए देखते कोई करिश्मा कर पाते हैं नहीं, और ये खिलाफ न्यूटन के दिल को धक्का देते हुए बास्केट, और फिर से गेम की शुरुआत, कभी इसके हाथ में, कभी उसके हाथ में, सुरेश के हाथ में बॉल, इसने फेंक दिया है बास्केट की तरफ, और बहुत अच्छा बचाव, सत्या के हाथ में फिर से बॉल आ गई है, वो दूसरे पाले की ओर बढ़ चुके हैं बॉल को लेकर, और ये दोनों का स्कोर बराबरी पर पहुंच चुका है, और अंतिम 1 मिनट और 4 सेकंड बचे हुए हैं। दोस्तों दिल थाम कर देखिए, क्योंकि अब किस्मत किसी की भी चमक सकती है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। कभी देखो उसी दिन मार दिया होता तो आज ये नौबत आती, सारा रोड से भी बच गया। तूने तो हाथ साफ कर लिया, आज हम अपना बदला पूरा करेंगे और क्या, चल चलो रे। अरे राजू भाई हमारा वेट कर रहे होंगे, रैली का टाइम हो गया, चलो ना। ये क्या बोल रहा है गुना, हम क्या उसके गुलाम है? जब से उसके लिए काम करने लगे जीना हराम हो गया, ऐसा लगता है जैसे हम उसकी पैर की जूती है। अगर तुझे रैली में जाना है ना तो तू जा, चलो रे। तूने हम लोगों से भगा लिया, हम लोगों से, तू जानता नहीं हम लोग कौन है, आज तेरी बारी है। रुक क्यों गया बे, मारना साले को। इस पे तो मार का भी असर नहीं हो रहा, निकम्मा। खामोशी को इसकी कमजोरी मत समझना, ये चाहे तो तुम सबको एक बार में मार सकता है, सिगरेट हो या एसिड ये किसी से नहीं डरता, समझा? तू अपनी सोच, अभी भी वक्त है सुधर जा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ए, चल लेक्चर मत दे। शट अप। चल आट। छी।
बाद में फोन कर। ए, जा कर रहा है, अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है। गुना। क्या गुना? उसका इस वक्त जाना ठीक नहीं है। तुझे क्या लगता है हम तुझे ऐसे जाने देंगे? मैं कह रहा हूँ उसकी जान को खतरा है, तुम समझते नहीं। हमें चुना लगा खतरा, गुना की जान को खतरा है भाई। वो तो तुम लोगों के लिए सत्या मुझसे ज्यादा जरूरी हो गया है। अब जरूरत पड़ी तो MGM के स्टूडेंट्स नहीं आए, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। भाई उसने हमें गेम में फंसा दिया था, मैंने सबको लाने की पूरी कोशिश की पर मेरे साथ कोई आया ही नहीं। भाई बोलता है साला। अरे मेरी बात सुनो प्लीज। अब तू हमें सिखाएगा? ठीक है आज मुझे जाने दो, कल डबल मार लेना। क्यों, आज तेरे खाला की शादी है क्या? ए, मेरे इतने सालों की मेहनत पर मैं पानी नहीं फिरने दूंगा। अब कान खोल कर सुन लो, इसे मार कर यहीं दफन कर देना। मैं स्टूडेंट्स को लेकर आता हूं। देख रहे हो दोस्तों, अभी ये भागना चाह रहा है, पिटने की बारी आई तो हीरो बहाने बना रहा है। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? ए, जाता कहाँ है? आज तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले तू नहीं बचेगा। क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या? तुम लोग को लग रहा है हम लोग ये मैच जीते हैं क्या? ये तुम लोग की भूल है, इसने हम लोग को जानबूझ के जिताया। और इतना ही नहीं, ये हमें शुरू से बोलता है कि जगह खतरनाक है और ये सच है। जग्गा के बारे में मैं तुम लोग से ज्यादा जानता हूँ। जब मैं बास्केटबॉल में चैंपियन बना तब जग्गा ने मुझे ड्रग्स की लत लगाकर बर्बाद कर दिया। उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी, पढ़ाई छूट गई, पागल हो गया और नशे की लत में कॉलेज के कैंपस में पढ़ा रहता था मैं। आखिर मेरी गलती क्या थी? यही ना कि कॉम्पिटिशन में मैं धीरे धीरे जग्गा से आगे निकलता जा रहा था। लेकिन इस लड़के ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराया। ये सही कह रहा है, मेरी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, मान लो इसकी बात। सुरेश बिल्कुल सही कह रहा है, आज तक इसने जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया, जाने दे इसे। ए, रैली को छोड़कर तुम लोग इसके साथ टाइम पास कर रहे हो, गुना कहाँ है? गुना वो तो आपके पास ही गया था ना भाई? वो यहीं कहीं होगा। और तू? हाँ भाई। तू तो रैली में लड़कों को साथ लेकर जाने वाला था ना? जा पहले रैली में जा। चलो जाओ रैली में। साले ने गुना को मारा, चलाओ। एक बात याद रहे, तुम में से कोई बीच में नहीं आएगा। गुना को इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाओ, बाकी मैं संभालता हूं। अब जाओ। मुझे लगा किसी स्टूडेंट को चोट नहीं आएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए यार, मैं पॉलिटिक्स में हूं, सोचा कि उसको मारने से फायदा होगा लेकिन उल्टा हो गया। मेरा ओरिजिनल कैरेक्टर देखना चाहता था ना? ये देख।
हेलो सर, आई एम सुरेंद्र कुमार. नाइस ऑफ यू टू कम हियर सर. बैठिए. थैंक यू. मुझे आपका रिसर्च वाला आइडिया बेहद पसंद आया. थैंक यू. बाहर वो लड़का झगड़ा कर रहा है. उसका नाम सत्या है. आपके कॉलेज से ही तो आया है. सत्या? ओह, मतलब वो अभी भी? अरे नहीं नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो बिल्कुल नहीं है. शुरू शुरू में मैंने भी उसे गलत समझ लिया था, पर सच तो ये है कि वो दरअसल इस कॉलेज का माहौल बदलने आया है. वो जो कुछ भी कर रहा है स्टूडेंट्स की भलाई के लिए कर रहा है. सर, मिस हो गया? बिल्कुल मिस नहीं हुआ. सत्या कभी मिस नहीं करता. अरे सर, आप यहाँ कैसे आ गए? प्रिंसिपल को मिलने आया था. कैसे हो तुम? वैसे ही पहले जैसा, फुल हैप्पी. अभी एक की धुलाई की है. तुम बदलोगे नहीं? क्या मिलेगा बदल के? आप तो मुझे जानते हैं ना सर, फुल एंजॉय. तुम बदले नहीं? मैं नहीं बदला सर. तुम नहीं बदले? मैं नहीं बदला सर. बिल्कुल नहीं बदले? नहीं बदला सर. I am very proud of you. मुझे लगा तुम्हें बदलना ही काफी है, लेकिन तुमने तो यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को बदल दिया. आज जाके तसल्ली मिली कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया. चले रंजीत भाई, आपके चाय के पैसे. हा? चलते. ये तो कमाल हो गया. बाय बाय. नमस्ते भाई. नमस्ते. बाय भैया. बाय 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 बाय. कहाँ जा रही है? सच धज के स्कूल? क्या नहीं, कॉलेज जा रही हूँ. हेलो. हाय. आई एम सत्या, बीकॉम फाइनल ईयर. मैं तुम्हारी जूनियर हूँ, आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है. तुम्हारा नाम? दिव्या. वेलकम टू आवर कॉलेज.